कॉलेज के लड़के मुए होते ही ऐसे हैं, उनकी ज्यादा ना सुनाकर बेटी। और एक सरफिरा शायर कलेजे पर हाथ रखकर कहने लगा, हाय शबाना, तुम्हारे इश्क में दीवान लिख लिख कर मैं तो दीवाना हो गया हूँ। मर्दूत मुआ। और फिर आंख मारकर बोला, जाने मन। क्या आंख मारी बदमाश ने? हाँ नानी, मगर उसके आंख मारने का अंदाज बड़ा शायराना था, इसलिए मुझे उस पर गुस्सा नहीं आया। और एक मन चले ने तो मेरा हाथ ही थाम लिया, बोला चलो भाग चले, अगर नहीं चलोगी तो जबरदस्ती उठा कर ले जाऊंगा। और तू खड़ी सुनती रही, मुंह से कुछ नहीं फूटी? फूटी ना, मैंने कहा जबरदस्ती उठा कर ले जाने की क्या जरूरत है, मैं साथ चलने के लिए तैयार हूँ। बेशर्म कहीं की, मजाक करने के लिए मैं ही मिली थी तुझे, आने दे माँ को। इस बार कह दूंगी, गोद में लेकर पैरों पे तो खड़ा कर दिया मैंने, अब तू जान, तेरी बेटी जाने, मुझसे संभाली नहीं जाती। 23, 24, 25, 26 चार दिन और आ गए हैं माँ के आने में, इस बार तो माँ को वापस नहीं जाने दूंगी, नहीं तो कहूंगी कि मुझे भी साथ ले चलो, मैं अब और अकेले नहीं रह सकती। तू समझती है तेरी माँ रह सकती है अकेली? तेरे बगैर वो भी तो इसी तरह तड़पती होगी, उसके बस में होता तो तुझे अपने दिल की धड़कनों से कभी जुदा ना होने देती। लेकिन क्या करे बेटी, तेरा सौतेला बाप है ना, बड़ा जालिम है वो। हाँ मैं जानती हूँ नानी, कभी कभी जब निसार माँ को लेने यहाँ आता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता, बड़ी गंदी गंदी नजरों से देखता रहता है, मुझे बड़ा डर लगता है उससे, मेरी माँ को भी सताता होगा, इसलिए तो जब भी माँ यहाँ आती है बड़ी हसरत भरी निगाहों से देखती रहती है, बस एक ही बात कहती है, तू पढ़ लिख जा, ब्याह कर ले, किसी अच्छे घर में बस जाए, तो मैं आंखें मीच लूं, फिर किसी को अपनी सूरत नहीं दिखाऊंगी। माँ ऐसा क्यों कहती है नानी? बेचारी पे बड़े जुल्म हुए हैं बेटी, जमाने ने उसे बहुत सताया है बेटी, वो सिर्फ तेरे लिए जी रही है, वरना। टेलीग्राम मैम साहब। बड़ी घबरा रही थी, ले माँ के आने की खबर आ गई ना।
माता की मेहर तो है, क्या है शिपू? माँ बीमार है नानी। माँ बीमार है? चलो सामान उठाओ, आइए। निसार नहीं आया अभी, उसे हमें लेने जरूर आना चाहिए। शबाना कैसी हो? माँ कैसी है? कोई बहुत अच्छी तो नहीं, लेकिन अब तुम आगे हो, अब सब ठीक हो जाएगा। नजमा अस्पताल में? अस्पताल में क्यों, अपने घर पे है। घर पे? हाँ भाई घर पे, अपना घर और दुकान एक ही। नानी निसार ने आज ये कैसे अजीब से कपड़े पहन रखे? आज ये अपने असली लिबास में है बेटी। चलो बेटी और जी कड़ा कर लो, पता नहीं आज तुम्हें माँ को किस हालत में देखा पड़े। चलो ये महबूब की मेहंदी का बाजार चले आओ, ये चांदी की झनकार ले चले आओ, ये मेहंदी बिकती है पाओ की और लाली चेहरों की, दिल खरीदो अगर दिल हार जाओ। सर में क्या गन्नी काट के जा रहा है क्या? मिस्त्री का काज उठा के लाया भाई, जन्नत से उड़ा लाया हूँ, जन्नत से। कैसी है? दिन को आफ्ताब, महताब रात को। रात की बात का बाजार चले आओ, ये महबूब की मेहंदी का बाजार चले आओ। ए बानोड़े भाई चार कबाब और लेकर आई है शबाना। उठो गजल छेड़ो, तुम्हारी जवानी लौटा लाया तुम्हारे लिए। तुम्हारी जवानी की दाद तो हमने दी थी, आज अपनी बेटी की जवानी पे वाह कह के देखो। नहीं, नहीं जिंदगी दी है मुझे, अब इस जिंदगी में जहर घोल के दोगे तो वो भी पी लूंगी, लेकिन मुझसे माँ की ममता न छीना। माँ मेरे दम घुट रहा है, माँ दरवाजा खोलो, माँ मुझे पास आने दो। नजमा दरवाजा खोलो, ये सब अच्छी नहीं, एक बार अपने बेटे को सीने से लगा लो तुम्हारे सारे गम दूर हो जाएंगे। नजमा खिड़की से नीचे कूद गई। नजमा खिड़की से नीचे कूद गई? चालीसवें तक रुकना था, सो तो आज हो गया, अब कल ही बंबई चलने की तैयारी कर लो। बंबई जाकर अब क्या करोगी बन्नो? कॉलेज से तो नाम कटवा दिया मैंने। कॉलेज से नाम कटवा दिया? हाँ, कॉलेज से नाम कटवा कर इस दुकान पर लिखवा दिया गया है। आज से तुम अपनी माँ के धंधे पर बैठोगी। निसार आए आए
क्या बात है, वो गुस्से में बिल्कुल वैसे ही बुलाती हूँ जैसे तुम्हारी माँ बुलाया करती थी। जलील शबाना इस बार छोड़े देता हूं, लेकिन फिर कभी हाथ पांव फड़के तो खाल तक उधेड़ के बेच दूंगा। कान खोल कर सुन लो, आज से तुम शबाना नहीं बाई शबाना जान। रईस जाफर अली से 10,000 पे सौदा तय हुआ है तुम्हारा, और वो आज रात यहां आ रहे हैं तुम्हें परखने। ठीक ही तो कह रहा है बेटी, अपनी माँ का कोठा छोड़कर अब तुम कहाँ जाओगी नानी? हाँ बेटिया, महबूब की मेहंदी छोड़ने से इस बाजार का रंग नहीं छूटता। खानदान के रंग तो चेहरों पर लिखे जाते हैं। तवायफ की बेटी अगर तवायफ नहीं होगी तो क्या नवाबजादी होगी? नवाब अनवर कमाल थे यही ना, कहा के नवाब से जरा सुनो। हर औरत जो इन कोठों पर आती है कुछ ऐसे ही नामों के अफसाने घड़ लेती है, और तुम्हारी माँ ने भी वही किया था। बाप का खानदान तो खैर क्या होगा, लेकिन हाँ तुम्हारी माँ का घराना वाकई बहुत ऊंचा था। इस महबूब की मेहंदी में सबसे ऊंचे दर्जे की तवायफ थी वो। अगर तुमने अपनी माँ के घराने का नाम कायम ना रखा तो बेचारी की रूह को कहीं चैन ना मिलेगा। मैं तुम्हारे लिए कितना खूबसूरत जोड़ा लाया, इसे पहन कर देखो, जन्नत की हूर लगोगी। हाय रे, कितना खूबसूरत जोड़ा लाया है, देख तो। नानी ये आज तुम्हें क्या हो गया? नानी बेटी, कल तक तुम्हारी माँ का नमक खाते थे, तुम्हें नवाबजादी शबाना कहते, आज से इसका नमक चखा है तो बाई शबाना जान कह करेंगे। हाय अल्लाह, ये आज मैं क्या सुन रही हूँ? भाई हम ठहरे नौकर, जिसका खाए उसी का गाए, हमारी जबान से तो नमक हरामी नहीं हो सकती। चुप करो नानी, चुप करो। जाफर अली खासी मोटी असामी लगती है, कुछ पेशगी बेशगी लिया उससे? लिया ना 2,000 रुपया। अच्छा तो फिर मेरा ही नाम? 100 रुपया। बस 100 रुपया? अच्छा अच्छा, 200 ले लेना। पूरे 500 लूंगी, 500। 200 पेशगी, उससे मुश्किल काम तो मेरा है। बड़ी फुरांट हो बुढ़िया, मैं तो समझा था उस शरीफ जादे के साथ रहते रहते तुम भी कोई शराफत जान होगी होगी। ये लो, मैं जाफर अली को लेने जा रहा हूँ, मेरे आने तक लौंडिया टिच होनी चाहिए। ये मुझ पर छोड़ दो, मगर लौटोगे कब तक? यही को 10:30 बजे। अच्छा, इसका क्या वजह है? 7:30। जरा जल्दी लौटना। इन नापाक हाथों से फिर कभी ना छूना मुझे। तुमसे मैल छुड़ाने के लिए भी कई बार हाथ मैले करने पड़ते हैं बेटी। निसार से पिंड छुड़ाना इतना आसान नहीं। चलो मेरे साथ। क्या मतलब है तुम्हारा? खुदा गवाह, मैंने जो कुछ कहा तुम्हारे भले के लिए कहा है बेटी। एक तो गुनाह में धकेल रही हो, वो भी खुदा का नाम लेकर। तुम्हें पाप से बचाने के लिए ही मैंने अपनी जबान को गंदा किया था। हमारे पास वक्त बहुत कम है, इस वक्त 7:30 बजे हैं और 10:30 बजे तक निशान लौट आएगा, उससे पहले हमें बहुत दूर निकल जाना चाहिए। नानी मुझे माफ कर दो, नानी मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ, मुझे माफ कर दो। तुम्हारे दामन को दाग लगने से बचा लिया मैंने तो समझूंगी मक्का शरीफ पर सजदा कर आई, मेरा हज हो गया। चलो चलो बेटी। नानी लेकिन जाएंगे कहाँ? लखनऊ बेटी, वहाँ मेरे एक भोले भाई है, फिलहाल तुम वहीं जाकर पना लेगी, आखिर अल्लाह मालिक है। चल मेरी बच्ची, चल मेरी बच्ची, चल। बेटी सो जाओ थोड़ी देर के लिए। नानी हम लखनऊ जा रहे हैं ना? हाँ बेटी, माँ कहती थी मेरे अब्बा भी वहीं के रहने वाले थे। शब्बू रो नहीं मेरी बेटी, रो नहीं, अल्लाह पर भरोसा रखो, अच्छे दिन नहीं रहे तो बुरे दिन भी हमेशा नहीं रहे।
क्या मालूम इसमें कोई अच्छाई हो। अब कौन सी अच्छाई बाकी रह गई है नानी, घर छूट गया, माँ चली गई और ये कलंक जो चेहरे पे लगा हुआ है। उसकी रहमत से नाउम्मीद नहीं होते, जिसने गम दिए हैं वो खुशी भी देगा। क्या पता खुदा ने ये सब इसीलिए किया हो कि तू लखनऊ जाए और वो तुझे तेरे अब्बा से मिला दे। अब कहाँ नानी, उनसे मिलना मेरे किस्मत में होता तो माँ की ये हालत क्यों होती, ये दिन क्यों देखने पड़ते माँ को। तुम्हारे अब्बा को भी कोई मजबूरी होगी बेटी, क्या पता वो वापस हुए हो, जब आए हो तो नजमा ना मिली हो और वो उसे ढूंढते रहे हो, या आज भी उसी की तलाश में हो और वो नजमा को ढूंढते ढूंढते तुझे मिल जाए मेरी बच्ची। बेटी जरा दरवाजा खोल दो, बेटी दरवाजा खोल दो ना, बहुत देर से लटक रहा हूँ। अरे अरे क्या कर रही हो ये, ए बुड्ढे जा कहीं और जगह देख, यहाँ औरतों के डब्बे में कहाँ घुसना चाहता है। चलती गाड़ी में कहाँ जाएगा बेचारा, कहीं गिर पड़ा तो। गिरने मरने दो, कहीं किसी का कुछ ले भागा तो, सूरत नहीं देखती लगता है कोई चोर है, जेल का क्या आया है। यूँ हमारा किसी पे शक नहीं किया करती बेटी, शबाना खोल दो दरवाजा खोल दो। बाबा आप वहाँ क्यों बैठ रहे हैं, यहाँ बैठिए। नहीं नहीं बेटी तुम आराम से बैठ जाओ, मैं यही बैठ जाऊंगा। और फिर एक स्टेशन की तो बात है, अगले स्टेशन पे मर्दाना डिब्बे में चला जाऊंगा। चीती नानी, बहुत सालों के बाद लखनऊ आई हो, तुम्हारे मुंह बोले भाई तुम्हें पहचान तो लेंगे ना। क्यों नहीं बेटी। बेटे पापा तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं। बाबा आप भी लखनऊ उतर रहे हैं। हाँ बेटी यही वतन है मेरा, एक जमाने में घर बार सब कुछ यही था, लेकिन हालत ने लूट कर उसे बर्बाद कर दिया। बेटी तुम भी लखनऊ की हो। जी नहीं मैं तो पहली बार आई हूँ, मेरे अब्बा यहीं के रहने वाले थे। अच्छा चलो बेटी। अच्छा मैं चलूं, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज, जीती रहो। अपना है तू बेगाना नहीं, मैंने तुझे पहचाना नहीं। अपना है तू बेगाना नहीं, मैंने तुझे पहचाना नहीं। ये सच है अफसाना नहीं, मैंने तुझे पहचाना नहीं। रंग लहू का लहू पहचानता है, रंग लहू का लहू पहचानता है। ये पर्दा उठ जाए शायद याद आ जाए, रुक जा जरा अब जाना नहीं, मैंने तुझे पहचाना नहीं, मैंने तुझे पहचाना नहीं। बंदूक साहब की हवेली कौन सी है? ये सामने। शुक्रिया। कोई बात नहीं। जरा सुनिए, नवाब साहब अंदर हैं?
जी हाँ अंदर है, तशरीफ ले जाइए। देखिए जरा दबे पांव जाइएगा, हजूर शायरी फरमा रहे हैं। नानी तुम तो कहती थी नवाब साहब तुम्हारे मुंह बोले भाई हैं, लेकिन ये तो किसी बहुत बड़े नवाब की हवेली मालूम होती है। मेरी माँ इनके यहाँ आया का काम करती थी। जब नवाब साहब 2 महीने के थे तो इनकी वालिदा इंतकाल फरमा गई, तब मेरी माँ ने अपना दूध पिलाकर इन्हें पाला था। उस रिश्ते से ये मेरे भाई लगते हैं। दूते दराज मांग कर लाए थे 4 घर। बेटा मुझे नवाब बंदूक साहब से मिलना है। बहुत जरूरी है क्या? जी हाँ। तो फिर ऊपर चली जाइए। शुक्रिया। जुल्फे दराज मांग कर लाए थे 4 गज, कुछ उलझनों में कट गई कुछ मार पीट में। वाह, अरे 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 अरे, ऊपर कहाँ चली आप? बंदूक साहब से मिलने, आपने कहा था ना ऊपर। इस ऊपर नहीं बड़ी थी, उस ऊपर जहाँ ऊपर वाला रहता है। तो क्या भाईजान अल्लाह मियाँ को प्यारे हो गए? बिल्कुल, बंदूक तो ऊपर चली गई, ये कारतूस यही रह गया है। तो क्या आप उनके साहबजादे हैं? जी मैं उनका मुंह बोला बेटा हूँ, मुझे मियाँ मुंह बोले कहते हैं। दरअसल उनकी जो मुंह बोली बीवी थी उनकी कोई औलाद नहीं थी, इसीलिए मुझे गोद ले लिया था उन्होंने। जब वो अल्लाह मियाँ को प्यारी हुई तो मेरे मुंह बोले अब्बा फिर मुंह से नहीं बोले, चुपचाप एक दिन यही सीढ़ियां चढ़ गए और बस धाम से नीचे घुस के ऊपर चले गए। अब फरमाया मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मैं उन्हीं से मिलने आई थी। आपकी तारीफ? मैं उनकी बहन हूँ। बहन? लेकिन उनकी तो कोई बहन नहीं थी। सगी नहीं, मैं उनकी मुंह बोली बहन हूँ। ओह आपका नाम शायद रा 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 रशीदन। ठीक ठीक ठीक, अब्बा जिन दिनों मुंह से बोलते थे अक्सर आपका नाम लिया करते थे। आपके लिए तो बहुत कुछ छोड़ गए हैं अपनी वसीयत में। आपने पहले क्यों नहीं बताया कि आप इस मुंह बोले की मुंह बोली भूखी है? और फिर ये मोहतरमा तो यकीनन आपकी मुंह बोली बेटी होगी। वाह 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 वाह, अब्बा की मुंह बोली बहन से हमें भी एक मुंह बोली बहन मिल गई। अब तक बड़ा सन्नाटा था मुंह बोलो के घर में, कुछ बोलिए मुंह से कि उल्लू बोल रहा है इस घर में। आधा वर्ग आधा वर्ग आधा वर्ग आधा वर्ग। अनवर कमाल जिंदा है, सफदर जंग वो तुमसे बतला दे। अनवर कमाल जिंदा है। सफदर जंग तो जफा हिचको मार के क्या फायदा, तुझे तो इस मुसीबत से छुटकारा मिल जाएगा,
इस जिंदगी से नजात मिल जाएगी। तुझे तो उस मौत मारना चाहिए कि तू मौत को तरसे और तुझे मौत न मिले और तू जिंदगी भर तड़प तड़प कर मरे। जिस मौत तूने मुझे जीते जी मारा है सफदरजंग, मैं भी तुझे उसी मौत मारूंगा जैसे मैं अपने वालिद के गम में और अपनी बर्बादी के लिए मर रहा हूं, उसी तरह तू भी अपने बेटे के गम में ताप ताप के जान देगा। सच बोलने का कोई बहाना भी नहीं सोचा? किसी की खाबगाह में इस तरह पकड़े जाने पर भी क्या बहाने की जरूरत रहती है? अगर मैं कहूं आपकी मिजाज पर सिखो आया था तो यकीन कर लेंगे? चोरी के लिए आए थे तो फिर इस चाकू की क्या जरूरत थी? दूसरों के लिए नहीं, चोर अपनी हिफाजत के लिए कोई ना कोई हथियार जरूर रखते हैं अपने पास। बड़े मियाँ, आपका लबो लहजा और गुफ्तगू करने का अंदाज आपको चोर करा नहीं देता। यकीनन आप किसी और घर से यहाँ आए। फरमाइए, क्या मजबूरी आपको यहाँ ले आई? चोरी क्या मजबूरी नहीं होती, महज शौक के लिए तो कोई चोरी नहीं करता। आप बहुत सच्चे आदमी मालूम होते हैं बड़े मियाँ। महसूस होता है जमाने ने बहुत सताया है आपको। अच्छा, अगर मैं आपको अपने यहाँ रख लूँ तो क्या चोरी छोड़ देंगे आप? जी, मैं आपको अपने यहाँ नौकर रख लूँ तो चोरी छोड़ देंगे आप? जिस घर में मैं, उसी घर में क्या नौकरी कर सकता हूँ? घबराइए नहीं, किसी को खबर नहीं होगी कि आप इस घर में चोरी करने आए थे। मेरे वालिद चल नहीं सकते, उनका खास नौकर चला गया है, आपको उनकी खिदमत में रहना होगा। मुझे? क्यों? कुछ नहीं, खुदा के कारनामों पे हैरत होती है। क्या लेने आया था और क्या लेकर जा रहा हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, कल सुबह काम पर हाजिर हो जाऊंगा। आपका नाम? मेरा नाम खैरुद्दीन है, लोग मुझे खैरु कह के बुलाते हैं। खुदा हाफिज। सुनिए, आपको बाहर जाने का रास्ता मालूम है? जी नहीं, ढूंढ लूंगा। आप आए किस रास्ते से? खिड़की से। उसी रास्ते से चले जाइए, अगर पकड़े गए तो मैं बचा नहीं सकूंगा। क्या हुआ मिसेज एल्बर्ट? कितना इनोसेंट बन के बैठा है, बोलो अंकल का तुम क्या किया, बोलो। क्या कर रहे थे आप? देखो, तेज मार का जगह कॉकरोच मारकर गोल से चिपका देता है। बड़े गधे हैं आप फिरंगी मियां, ये क्या किया आपने?
पेज मांग दिया था, नहीं तो भूल जाता आगे कहाँ से पढ़ना है। इसके लिए कॉकरोच मार्केट चिपकाना चाहिए। ये तो क्या मक्खी मार्केट चिपकाना चाहिए? Did you see that? No, 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 no. हम ऐसे बच्चा को नहीं पढ़ाएगा। I'm sorry, Mrs. Albert, आप इन्हें जरूर पढ़ाइए, आइंदा ये ऐसा कभी नहीं करेंगे। सॉरी बोलो टीचर को और कान पकड़ो कि आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं करोगे। सॉरी बोलो फिरंगी मिया। I'm sorry, teacher. It's all right. Sit down. That's a good boy. क्यों भाई? ये कान क्यों पकड़वा रहे वांदे के? बहुत शरीर हो गया अब्बाजान, खानों का टीचर को तंग करता रहता। अरे आपने अपना काम काज समझ लिया अब्बाजान से? हाँ बेटे, वो मैंने समझा दिया इन्हें। माशाल्लाह बहुत जहीन है, यूँ लगता है जैसे बरसों से इस घर में नौकरी कर रहे हो। खिड़की दरवाजों तक से वाकिफ है। अच्छा, बहुत जल्दी वाकिफ हो गए इस घर से? जी जी हाँ, यूँ लग रहा है ये मेरा ही घर है। यहाँ के दर दीवार जैसे मुझे पहचानते हैं और मैं भी इन्हें पहचानता हूँ। खैरू मियां, ऐसा लगता है कि क्या आप पहले कभी काम मांगने आए थे हमसे? जी नहीं, लगा कर पहले कहीं देखा है। खैर दीवान खाने में ले चलिए। जी मालूम होता है शायर की औलाद अभी तक सो रहे हैं। अच्छा तो वाकई सोए हो? हमारे ये कोई सोने का वक्त है? अबे साले 10 बज गए, कॉलेज जाने का वक्त हो गया, चलो उठ। सर को उठा के भाग रहा हूँ। लेकिन हुआ क्या, कुछ कहो तो सही। यार तुम्हारे बेडरूम में घुस गया, ना जाने कौन सो रही थी। मैंने समझा तुम सो रहे हो, मैंने ना आप देखा ना ताओ, जमा दी दो चार। खुदा कसम जब उन्होंने चादर उठाई मेरी तो सरकी क्या हवा हो, और जैसी दो चार जमाई है बेचारी अभी तक बैठी मल रही होंगी। मियाँ ये है कौन, कहाँ से आई? उस्ताद अपने बड़ाओ थे ना, उनकी मुंह बोली बहन तशरीफ लाई अपनी मुंह बोली बेटी के साथ। तुमने किसे जमाई, बहन को या बेटी को? नक्शे से माशाल्लाह बेटी होनी चाहिए। तो चलो तारुफ करा दे। अरे खुदा का नाम लो, मैं तो मुंह दिखाने के काबिल ना रहा, आया था तुम्हें लेने के लिए। चार रोज से कॉलेज नहीं आया, मैंने समझा ना जाने कौन सी कयामत गिर पड़ी। जब यहाँ आया वाकई कयामत नजर आ गई। कब तक रहने वाली है? अब तो यही रहेगी यार, बेचारी बड़ी मुसीबत अदा है। कौन, बहन या बेटी? बेटी यार, वैसे तालीम याफ्ता है, शायरा है, थर्ड ईयर में पढ़ रही थी कि किस्मत ने चक्कर खाया, और यह किस्मत ने चक्कर खाया कि थर्ड ईयर में आ पड़े। 3 साल हुए इस दलदल से निकल ही नहीं पा रहे। मेरा तो ख्याल है यूसुफ मियाँ, जिंदगी की बड़ी सी बड़ी बलाएं थर्ड ईयर ही में वाकई होती है। कहते हैं मिर्जा गालिब का भी वो थर्ड ईयर ही था जबकि रामपुर दरबार से निकाले गए थे। एक काम करो मियाँ, ट्यूशन रख लो इनकी, पास हो जाओ। क्या बात कही है, ये ख्याल ही नहीं है कि टीचर और ट्यूशन दोनों घर पे मौजूद है। वो भी यही कह रही थी कोई ट्यूशन व्यूशन मिल जाए तो वक्त कट जाए, घर में पड़ी बहुत बोर होती है। अब आप बोर मत कीजिए, किताबें उठाइए, कॉलेज चलिए। लो किताब लेकर कभी कॉलेज गया हूँ मैं? नेवर। चलो चलो फिर। हेलो रोजी, शट अप। हेलो सलमा, शट अप। हेलो मुबली, शट अप इडियट। हर लड़की डांट रही, न जाने सुबह सुबह किस चुगती सूरज देखी। इस लड़की ने मेरे महबूब फिल्म नहीं देखी। उसने तो फिल्म जरूर देखी होगी, लेकिन तुमने अपना चौकटा नहीं देखा। तुम्हारी सूरत और राजेंद्र कुमार की खूबसूरत सूरत में बड़ा फर्क है, समझे? कुछ भी हो मियां, लेकिन थप्पड़ था बड़ा सा नाटेदार, सारा कॉलेज गूंज उठा। अरे मुंह बोले की तो बोलती बंद होगी। मगर लड़की है को जिसके थप्पड़ से हाथ हिल गए, जरूर मालूम करना पड़ेगा। सूरत देखी तो फिर बुरके से कैसे अंदाजा लगाओगे? मैं बताऊं, थप्पड़ का अंदाजा तुम्हें जरूर हो गया होगा। बहुत अच्छी तरह मियां, पांचों उंगलियों का वजन बता सकता हूँ। बस बात बड़ी मामूली सी,
कल दोपहर को कॉलेज में आके खड़े हो जाना और हर बुरके वाली के सामने दरखास्त करना, अल्लाह के नाम पे एक थप्पड़ रसीद कर दो, बस वजन का तुम ख्याल रखना, आवाज का अंदाजा हम लगा लेंगे। परफेक्ट, बिल्कुल ठीक है। वाह वाह, बड़ी माकूल स्कीम है। वेरी गुड आइडिया, यू आर अ डार्लिंग। द क्रो आस्क्ड द माउस टू कम आउट। द क्रो आस्क्ड द माउस टू कम आउट। यस, द क्रो आस्क्ड द माउस टू कम आउट। द क्रो आस्क्ड द माउस टू कम आउट। यस, वेरी गुड। द क्रो आस्क्ड द माउस टू कम आउट। क्या मतलब? कौआ ने चूहा को बाहर आने को बोला। नहीं टीचर, कवि ने चूहे को बाहर आने के लिए कहा। ओह यस, यू आर राइट। राइट टीचर। ओह यस, ऑफ कोर्स, थैंक यू। कौआ ने, नो 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 नो, कौवे ये बुलाया। ओह, टू हेल विद इट। एक कॉकरोच पकड़ के छोड़ दो इस मोटी पिल्ली पर। क्यों मैं उधर सुबह तो बहुत सारी ले रहे थे टीचर की। ओ गंगनिया, टीचर अच्छी नहीं है, डरपोक है। जो कॉकरोच से डरती है भला क्या पढ़ाएगी आपको। लेकिन आप ही तो हमारे लिए मोटी तगड़ी टीचर लाए थे। ओ, ये सिर्फ साइज में बड़ी है, दिल इसका बहुत छोटा है। भगा दीजिए आप। चूहा छोड़ देता हूँ। चूहा कहाँ से आएगा? चूहा ये देखिए। ये क्यों पकड़ रखा आपने? आज चूहे का लेसन था ना। फिरेंगे मियां, बड़े उस्ताद हैं आप, तो हो जाए उस्तादी। ओह ये कम कमाना है। द माउस climbs the wall. The mouse climbs the wall. Yes, the mouse climbs the wall. The mouse climbs the wall. Very good. Yes, the mouse climbs the wall. मतलब चूहा दीवार का ऊपर चढ़ गया। चूहा दीवार के ऊपर चढ़ गया। Yes, the mouse climbs the wall. मतलब चूहा दीवार का ऊपर चढ़ गया। नहीं चढ़ता टीचर। ओ कैसे नहीं चढ़ता? ये देखो, ये देखो, ये तो फोटो है टीचर, असली चूहा नहीं चढ़ता। ओ कैसा नहीं चढ़ता? तुम असली चूहा पकड़ो, हम उसको चढ़ाएंगा। ओह माय गॉड, ओह यू रैस्कल, इट्स इम्पॉसिबल। ओह गॉड, क्या हुआ? क्या हुआ? हम इसको नहीं बढ़ाएंगा, बिल्कुल नहीं बढ़ाएंगा। मालूम है ये गधा हमारा ऊपर चूहा छोड़ दिया। चूहा? यस, रैट, रैट, यस। देखो सुबह एक शरारत करता है तो शाम को दूसरा शरारत करता है। आप बहुत पाजी हैं खालिद मियां, आप बच्चों के साथ ऐसी हरकत करते हैं। मैं कहता हूँ मिसेज अल्बर्ट, आप इसे बिल्कुल मत पढ़ाइए। राइट, छोड़ दीजिए इस गधे को। ये लीजिए 200 रुपए आपकी तनख्वाह, और मैं इसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। आई एम रियली सॉरी। ओह आई एम रियली वेरी हैप्पी। नेवर माइंड, बदमाश, भगा दिया उसे। ठीक है, कल हम आपके लिए एक बड़ी अच्छी टीचर लेकर आएंगे। क्यों माउजन, मोटी बिल्ली को भगाया, आप दूसरी टीचर क्यों? आपके बड़ी खूबसूरत सी बिल्ली लेकर आएंगे आपके लिए, छोटी सी, गोरी सी, भूरी सी, भोली सी, और उसकी आवाज नरम नरम सुरीली सी, आंखें उड़ती फिरती फरिश्तों की तरह, जिस पर नजर पड़ जाए समझ लो खुदाई मिल गई। मौजन खुदाई क्या होती है? बड़े सवाल करते हैं आप फिरंगी मियां, हो जाए। ठीक है मोबोले साहब, हमें बड़ी खुशी है, कल से बिटिया खालिद मियां को पढ़ाने आ जाए। अच्छा तो हमें इजाजत दीजिए। जरा बैठिए, खालिद मियां को बुलवाया है, इन्हें अपने स्टूडेंट से तो मिल लेने दीजिए। ये लीजिए, आ गए, आइए फिरंगी मियां। आजान जीत रहो बेटा, ये तुम्हारी नई टीचर है, इन्हें सलाम करो। आजा बाजी, आइए हमारे पास बैठिए। देखा जवाना, कितना प्यारा बच्चा है, सारी लखनऊ में ऐसा भोला वाला बच्चा नहीं मिलेगा आपको। क्या हुआ जी? एक चुपता हुआ शेर सोच रहा था, बस उसी की नोक चुप गई। नोक चुप गई? बता हम भी सुने भाई, क्या शेर है के सोचने में नोक चुप गई? जी अर्थ किया है कि नाना जान, हम टीचर को अपने पढ़ने का कमरा दिखा दे। हाँ हाँ जरूर दिखाइए, और इन्हें अपने पढ़ने की किताबें कापियां भी दिखा दीजिएगा, जब तक हम इनसे कुछ शेर सुन लें। आइए टीचर, चलिए। हाँ तो मोबोले साहब, क्या तखल्लुस फरमाते हैं आप? जी मुंह बोला। जी जी ये मुंह है ना, ये मुंह, बस ये मुंह, इसको खोला यानी कि कुछ बोला, तखल्लुस मुंह बोला। सुभान अल्लाह, इस तखल्लुस में भी एक नयापन है। हाँ मुंबले साहब कुछ बोलिए। जी अर्ज है, वो पहली मुलाकात थी बरसात की रात, एक छाते में दो जन थे साथ साथ। सॉरी गलती, माफ करना, गलती, तो आइए टीचर, ये हमारा पढ़ने का कमरा है, और ये हमारी पढ़ने की मेज है, वो आपकी कुर्सी, ये मेरी कुर्सी, और वो मेरे मामू जान।
आजा फिर से। तशरीफ रखिए। मैं उस दिन के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझसे सख्त गलती हो गई। मामू जान, गलती हो जाए तो कान पकड़कर सॉरी कहना चाहिए ना? हाँ, माफी तो मांगनी चाहिए। I'm sorry. अच्छा हुआ फिरंगी को पढ़ाने चली आई, मुझे भी ये मौका मिल गया आपसे माफी मांगने का। जी, इनका नाम बड़ा अजीब रखा है आपने, फिरंगी। अजी, ये गोरे चिट्टे तो हैं अंग्रेजों की तरह, लेकिन बदमाश भी उन्हीं की तरह, इसलिए हम सब प्यार से इन्हें फिरंगी बुलाते हैं। आप खड़ी क्यों हैं? बैठिए ना, तशरीफ रखिए। दरअसल बहुत फिक्र थी मुझे इस लड़के की, काफी दिनों सोच रहा था कोई अच्छी सी टीचर मिल जाती तो। मामू जान, ये टीचर आप मेरे लिए ला रहे हैं या अपने लिए? उठिए उठिए। काफी बदतमीज हैं आप। आधा वर्दी। फिरंगी साहब, ऐसे नहीं कहते बड़ों से। मामू जान, कोई बड़े थोड़े हैं, ये तो अपने यार हैं यार। टीचर जरा बोलिए। क्यों? जरा बोलिए ना। आप बड़े प्यारे हैं फिरंगी मियाँ। मामू जान, आवाज तो जैसे आपने कही थी वैसे ही है। ख्याल रखिएगा, इतना शरीर है कि नाक में दम कर देगा। जानती है पहली टीचर के साथ क्या किया? चूहा छोड़ दिया उस पर और बेचारी डर के भाग गई। मामू जान, नहीं ऐसे नहीं कहते, आप ही ने तो कहा था उसे भगाने के लिए। क्या? मैंने कहा था? आप बड़े झूठे हैं खालिद मियाँ। आपने नहीं कहा था उस मोटी बिल्ली को भगाओ, हम तुम्हारे लिए एक बूढ़ी बिल्ली लेकर आएंगे। आप बाहर जाइए। आपने नहीं कहा था उनकी आंखें फरिश्तों की तरह उड़ती फिरती है? बड़े पाजी हैं आप खालिद मियाँ। आधा बढ़ दे। जी तरह। मैं चलूं, भाईजान इंतजार कर रहे हैं। जी वो बड़े शरीर ज्यादा हैं आप भी, सब कुछ बदला दिया, अच्छा किया। क्या हुआ? क्या हुआ? हाथ जल गया? बस यू मियाँ, कई बार कहा कि देख के चला कीजिए, हाथ जला दिया आपने इनका। नहीं नहीं, इनका कुछ सूट नहीं, मैं ही तेजी से निकली थी, टकरा गई। नौकर हो तुम? मैं भी यहाँ नौकर हूँ, छोटे मियाँ को पढ़ाने के लिए। किस्मत हमें बार बार ऐसे मिला रही है जैसे कोई बिछड़े हुओं को मिलाने की कोशिश कर रहा हो। आपसे मिलकर मुझे भी ऐसे ही लगता है जैसे कोई बिछड़ कर मिला हो। शबाना, जल्दी चलो, मुझे थप्पड़ खाने जाना है। क्या कहा? मेरा मतलब है मुझे दावत खाने जाना है तुम्हें घर छोड़कर। अच्छा बाबा, मैं चलती हूँ, खुदा। जीती रहो बेटी। अरे भाई जल्दी चलो, जल्दी चलो। क्यों मामू जान, किसकी फिल्म उतार रहे हैं? है काफिर, आपको कोई एतराज है? तौबा तौबा, बड़ी हसीन काफिर है मियाँ। मामू जान, आप हमारे टीचर को काफिर कह रहे हैं? ठहरिए, अभी हम नाना जान से कहते हैं। नाना जान। पसंद आ गई है एक काफिर हसीना, पसंद आ गई है, पसंद आ गई है एक काफिर हसीना, उम्र उसकी 16 बरस 6 महीना, पसंद आ गई है। सितमगर ने मुश्किल किया मेरा जीना, उम्र उसकी 16 बरस 6 महीना, पसंद आ गई है।
जन्नत की हो वो सा दिलकश जमाल, दरिया के मौजों से बदमस्त चाल। जन्नत की हो रो सा दिलकश जमाल, दरिया की मौजों से बदमस्त चाल। शीशे के सागर सा, शीशे के सागर सा नाजुक बदन, तो शबनम के कतरों सा रंगी पसीना। उम्र उसकी 16 बरस 6 महीना, पसंद आ रही है। वो नादान है, उल्फत की बातों से अनजान है, कम सिन भी है। वो नादान है, उल्फत की बातों से अनजान है। उस बेखबर को, उस बेखबर को नहीं कुछ खबर। गमे इश्क से फूक गया मेरा सीना। उम्र उसकी 16 बरस 6 महीना, पसंद आ गई है। मेरी महबूब है, जोड़ी हमारी बहुत खूब है। कितनी हंसी मेरी महबूब है, जोड़ी हमारी बहुत खूब है। शायर हूँ मैं तो, शायर हूँ मैं तो, वो जाने बदल। अंगूठी है वो और मैं हूँ नगीना। उम्र उसकी 16 बरस 6 महीना, पसंद आ गई है एक काफिर हसीना। उम्र उसकी 16 बरस 6 महीना, पसंद आ गई है। मैं जबी पर्दा नशी, अल्लाह के नाम पर एक थप्पड़ रसीद कर। अल्लाह तेरे हाथ बनाए रखे और मेरे दांत जमाए रखे। एक लपड़ मार घुमा कर अल्लाह के नाम पर। क्यों दोस्तों, क्या ख्याल है? नहीं नहीं वो नहीं, आवाज जरा कमजोर थी। बिल्कुल कमजोर, करेक्ट, जरा हल्का था, कोई बात नहीं। मैं जबी पर्दा नशी, अल्लाह के नाम पर एक थप्पड़ रसीद कर। अल्लाह तेरे हाथ बनाए रखे और मेरे दांत जमाए रखे। एक लपड़ मार घुमा कर अल्लाह के नाम पर। तेज जमा के रुखसाना, बेचारा अल्लाह के नाम पर मांग रहा। नहीं यार नहीं, लगता है आज वो कॉलेज से गुटली ही मार गई। जबी पर्दा नशी, अल्लाह के नाम पर एक थप्पड़ रसीद कर। वही है, बिल्कुल वही आवाज, बिल्कुल वही। अरे वही है, बिल्कुल वही है, पहचान लिया। अब आप पहचान लिया? अरे थप्पड़ तो उस दिन भी खाया था, लेकिन ये लड़की कौन है? हकीम बेर बूंदवी की बेटी गुलकन। गुलकन, वाह बेटा तेरी लाइफ बन गई, अब तेरा हाजमा बिल्कुल ठीक रहेगा। बन जा मजनू और पहुंच जा उसके घर। मजनू, हाय कहाँ है तू मेरी लैला, आवाज दे, कहाँ है तू? हाय लैला, कहाँ है तू? मजनू, बड़े प्यासे लगते हो, आओ प्यास बुझा दो। हया भल्ले भर में लड़की को बदनाम करते हुए शर्म नहीं आती? लो चिल्लू भर पानी में डूब मरो। डूब गया, अब तो जलवा दिखला दो। बहुत तरस गए हो सूरत देखने को, लो देख लो। क्यों लगी कलेजे पे? हाय
क्या लगी है निशाने पे? कमबख्त बेहया, तेरा लब तो देखिस मनसी। जी आप कौन है? जी पेशे से हकीम हूँ और रिश्ते में। ये लड़की आपकी क्या लगती है? ये है मेरे जिगर का टुकड़ा, मैं उसी टुकड़े का बाप हूँ। क्या बकवास करते हो खुदा हाफिज़? अरे खुदा हाफिज़ जाते कहाँ हो? आपकी तबीयत खराब मालूम होती है, जरा दवाखाने में तशरीफ लाइए। जी मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, आपकी नीयत खराब मालूम हो। बरखुरदार मेरी नीयत पर शक को शुबा मत करो, अंदर तशरीफ लाओ, मैं अभी ठीक के लेता हूँ। आइए बेदर्द दवाखाना, यहाँ हर बीमारी का इलाज बेदर्दी से किया जाता है। जी हाँ, इधर तशरीफ लाइए, तशरीफ लाइए, नब्ज दिखाइए। जी आप मेरी नब्ज देख रहे हैं या उस डंडे की? बरखुरदार ये तो मैंने एहतियातन रख लिया है, क्या तकलीफ है तुम्हें? जी दिल में आपका डर बैठा है और नजर इस डंडे पे पथरा गई है। बेटा तुम इसे मत देखो, मेरी तरफ देखो। जी बहुत अच्छे, मेरी नजर चुके और आप उठा के जमा दे। नहीं नहीं बेटा, तुम्हारी बीमारी अंदर की है, बाहर की नहीं। पहले तुम्हारी तबीयत अंदर से साफ करनी पड़ेगी। हाँ, गुलकंद बेटी, सफाई की भुक्की और एक गिलास पानी लाओ तो। अभी लाइए बजान। जी ये सफाई की भुक्की क्या चीज होती है हकीम साहब? ये तबीयत के साथ साथ नियत भी साफ करती है बेटे, पेट के साथ साथ दिमाग के कीड़े भी निकालती है। जी मैं ठीक ठीक नहीं समझा हकीम साहब। एक डबल खुराक तुम्हारे अंदर जाएगी तो अपने आप समझ जाओगे। लीजिए बजान। हाँ लाओ 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 गुलकंद। लो बेटे इसे फाग जाओ। हकीम साहब अगर मैं ना खाऊं तो क्या आप मेरी ठुकाई करेंगे? नहीं धुलाई करेंगे। तो धोबी पाटा। हाँ समझ गए, लो मुंह खोलो और जल्दी फाग जाओ। शाबाश, हाँ शाबाश, लो ये पानी पी जाओ। हकीम साहब अब तो बता दीजिए ये भुक्की क्या चीज थी? ये जमाल गोटा था। जमाल गोटा? जमाल गोटा मुर्गर टाइगर मोटा टाइगर। अरे मिया ये पानी का गिलास साथ ले जाओ, रास्ते ही में काम आ जाएगा, मजनू का बेटा ना हो तो। तू क्या खड़ी खड़ी हंस रही है? चल अंदर, बेशर्म कहेगी। जमाल गोटा था। अब मैं ऐसे मुस्कुराना तेरा, नींद है या कोई बहाना तेरा? आधा बजा ला। खुदा है आप? भाईजान तो घर पे नहीं है, पता नहीं कॉलेज गए, सिनेमा गए, आपके घर गए, पता नहीं कहाँ गए। मैं उनसे मिलने नहीं आया था। मैं तो आपका हाथ जल गया था ना, इसलिए महरम लाया हूँ। लगा लीजिए, आराम आ जाएगा। मेरा हाथ तो बिल्कुल ठीक है, कहीं से नहीं जला। देखिए इस आग की जलन अक्सर अंदर दब के रह जाती है, ऊपर से दिखाई नहीं देती। लगा लीजिए, जलन जाती रहेगी। जलन तो बिल्कुल नहीं है, फिर भी आप चाहते हैं तो आप ही लगा दीजिए। मैं जी ये महरम, ये जलन मेरा मतलब है आप खुद ही लगा लीजिए। ये क्या हुआ मिया? ये फटे हाल उस बुरके वाले के लिए बना रखे? इश्क का रास्ता ही ऐसा फटीचर होता है दोस्त, कभी सहरा की तरफ जाता है तो कभी म्यूनसिपैलिटी की तरफ। म्यूनसिपैलिटी की तरफ? शफा खाने गए थे? शफा खाना जहाँ सफाई होती है। मैं भी आया, अभी आया, 20वीं मर्तबा। बाबा तस्लीम। बाबा जीती रहो बेटी, जीती रहो। पढ़ाई शुरू हो गई छोटे मियाँ की? जी हाँ बाबा, मैं आपके लिए कुछ लाई हूँ, लीजिए। क्या है बेटी? आप खुद ही देख लीजिए। सुनो बेटी, मैंने आज तक तुम्हारा नाम नहीं पूछा,
आप बेटी कहकर बुलाते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है। देखो तुझको लगता है ऐसे तू मेरे दिल का कोई टुकड़ा है जैसे तू मेरे दिल का कोई टुकड़ा है जैसे बातें हैं बेगानी नजरें हैं अनजानी चेहरा मगर अनजाना नहीं मैंने तुझे पहचाना नहीं मैंने तुझे पहचाना नहीं पर जोर नहीं है ये वो आतिश वाले इश्क पर जोर नहीं है ये वो आतिश वाले टीचर मामू जान ने कहा है रसीद पर साइन करके दे दीजिए फीस बाद में मिलेगी। बड़े अजीब हैं आपके मामू जान रसीद पहले लेते हैं और फीस बाद में देते हैं। हाँ हमसे भी चुम्मा पहले लेते हैं चॉकलेट बाद में देते हैं। अच्छा तो आपको तो बड़े चुम्मे देने पड़ते होंगे। नहीं पहले चार चुम्मे लिए फिर ट्रेन दी हमको। अच्छा ये लीजिए इसे अपने पास रखिए और इसी तरह जाकर अपने मामू जान को दीजिए और कहिएगा हम फीस पहले लेंगे रसीद बाद में देंगे। अच्छा टीचर मैं ट्रेन से खेलूं। चलिए आज हम भी आपको ट्रेन का सबक पढ़ाते हैं। चलिए छुक 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 करती आती देखो देखो रेल है आती भागे दौड़े शोर मचाए स्टेशन आए तो रुक जाए काला काला धुआं उड़ाती देखो देखो रेल है आती। ये रात को पानी पीने की आदत बहुत बाकायदा है आपकी। हाँ कह लो मियाँ अम्मी की दी हुई आदत है बचपन से। कहा करती थी बेटा रात को पानी पीकर सो तो ख्वाब में शैतान नहीं आता। जी हाँ ख्वाब में तो नहीं आता। क्या कहा आपने? ख्वाब में तो नहीं आता लेकिन कहते हैं जहाँ उसका जिक्र हो वहाँ आसपास वो जरूर रहता है। मामू जान मामू जान आपने ठीक कहा आ गया शैतान। आइए 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 मामू जान ये लीजिए आपकी रसीद। ये क्या उनके दस्तखत नहीं लिए? टीचर हमारी जान नहीं है हम पहले चुम्मा देते हैं फिर चॉकलेट लेते हैं। टीचर कहती है वो पहले फीस लेगी फिर चुम्मा देगी। क्या कहा आपने? आप पहले फीस दीजिए फिर रसीद मिलेगी। अच्छा फिरेंगी मियां ये तो बताइए ये नई टीचर कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी आज हमको गाना सिखाया टीचर ने। अच्छा जरा हम भी सुने तो। छुक 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 करती आती वो देखो वो रेल है आती। संगी मियां आज रही आई यहाँ बैठ। संगी मियां अगर हम आपको एक गाना सिखा दें तो क्या आप अपनी टीचर से सुना देंगे? धक 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 करता है दिल। दिल क्या चीज है मामू जान? संगी मियां बड़े सवाल करते हैं। दिल एक ऐसी रेलगाड़ी है जिसके लिए टिकट की जरूरत ही नहीं पड़ती। अच्छा धक 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 करता है दिल शायद तुम पे मरता है दिल। शाबाश मामू जान शाबाश। हाँ आधा बरसा जीते रहो मामू जान जीते रहो।
धक 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 करता है दिल, शायद तुम पे मरता है दिल। ऐसा गाना नहीं गाते। क्यों टीचर? ये किसने सिखाया आपको? मामू जन ने। मामू जन कहते हैं दिल एक रेलगाड़ी है जो हर वक्त चलती रहती है, किसी स्टेशन पर रुकती नहीं है। आप अपने मामू जान को मना कर दीजिए, ऐसे गाने ना सिखाया करें आपको। क्यों टीचर, ये तो बहुत अच्छी रेल है और मामू जान कहते हैं इसके लिए टिकट भी नहीं लेना पड़ता। तो क्या करना पड़ता है? रसीद पर साइन करना पड़ता है। अच्छा, इसीलिए तो आपको रसीद भेजी थी मामू जान ने। आप बड़े पाजी हैं फिरेंगे मियाँ। चलिए किताबें लिखा। फिरंगी मियाँ को पढ़ा लिया? जी। चलिए घर छोड़ दो। शुक्रिया। बच्चों को ऐसे गाने नहीं सिखाया करते। कैसे गाने? तक 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 करता है दिल, शायद तुम पे मरता है दिल। सच बड़े वो हैं आप। क्या हूं मैं? हमें नहीं मालूम। नानी क्या है? चुप क्यों हो गई? बोलना, अंदर ही अंदर खुशी से फूल रही है। धक 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 करता है दिल, शायद तुम पर मरता है दिल। क्या? सच 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 सच। इतना तो याद है मुझे, ओ, इतना तो याद है मुझे, हाय इतना तो याद है मुझे के उनसे मुलाकात हुई। इतना तो याद है मुझे के उनसे मुलाकात हुई, बाद में जाने क्या हुआ, ओ बाद में जाने क्या हुआ, अरे बाद में जाने क्या हुआ, ना जाने क्या बात हुई, बाद में जाने क्या हुआ, ना जाने क्या बात हुई। मारे हया के मैं तो
फरमाइए आप कौन सा शरबत पिएंगे। हम तो गुलकंद की शौकीन है। गैब से खबर मिली है कि तुम्हारे यहाँ एक बहुत उम्दा। देखिए नहीं नहीं ये गुलकंद नहीं, इसे तुम्हारे नापाक हाथों ने बनाया है। पीर साहब मेरे पास तो यही गुलकंद है। झूठ मत बोलो बेर बुंदरी, तुम्हारे यहाँ वो उम्दा और ताजा किस्म की गुलकंद है जिसे अल्लाह ताला ने अपने हाथों से बनाया है। वाह वाह आप तो बड़े पहुंचे हुए फकीर निकले, सीधे घर के अंदर जा पहुंचे। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे गुलकंद बेटी गुलकंद। अरे जल्दी बाहर आ, देख पीर गुलकंद बाहर आए हैं। सुभान अल्लाह। अरे घर बड़ी ठहरो। अरे कहाँ चली कहाँ चली, फकीरों से कैसी शर्म। जाओ जाकर इनकी द्वारो जाओ जाओ जाओ। अरे हमारे पास बैठो, हमारे पास आओ हमारे पास आओ। यही है जिसके लिए हम यहाँ आए। फरिश्तों ने हमें कहा जाओ इस नसीबों वाली का रिश्ता पक्का करके आओ। हमने तुम्हारे लिए एक लड़का चुना है जो मुंह से बोलता है और मुंह वाला कहलाता है। हाँ मैं भी जानती हूँ एक मुंह बोले को। अब्बा जान वो जो एक बार मजनू बनकर आया था और आपने कुछ खिला दिया था। सफाई की बुक्की खिला दी थी इस पाजी ने। तौबा तौबा आप तो सब कुछ जानते हैं। इस खादिम उल खादिम की भी एक अर्ज है, अगर आप हुक्म दें तो मैं कुछ अर्ज करूं। हाँ कहो कहो। बेटी तुम जरा अंदर जाओ। सरकार जहाँ आपने एक लड़के का पता किया है एक लड़की का पता भी कर दीजिए। उफ
फकीरों से कैसी बातें करते हो, सुनकर गुदगुदी होती है। जी मैं ये आपके लिए नहीं अपने लिए कह रहा था। हो ठीक है ठीक है, तुम्हारा सिलसिला भी जोड़ देंगे। मुंह बोलो कि खानदान में एक बेवा है। अजी भले बेवा हो मगर मेवा हो। नानी नानी ओ नानी ओ नानी 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 नानी, तुम्हें खुशी की बात सुनाओ नानी। सुनाओ बेटा। बैठो नानी बैठो। नानी एक बहुत बड़े घर रिश्ते की बात आई है। नानी रिश्ते की बात? मैं खुद ही कहने वाली थी कोई अच्छा सा रिश्ता निकाल, मरने से पहले ये आरजू भी पूरी कर लूं। क्यों अभी से मरने की बात करती हो नानी, तुम्हारी भला भी उम्र ही क्या है। तुम शादी का कहती हो, अभी तो नन्हे मुन्ने बच्चों को गोद में खिलाओगी। तो फिर किसी दिन लड़के को भी दिखा दे। क्यों मेरी पसंद पर यकीन नहीं तुम्हें? एक बार अपनी आंखों से देख लूं तो मुझे तसल्ली हो जाएगी, जी भर लूंगी अपना। देखोगी तो जी बाग बाग हो जाएगा नानी। अच्छा उसकी उम्र क्या है बेटे? होगी कोई 55-60 के लगभग। क्या कह रहा है 55-60? नानी तुम भी तो 15-16 साल की नहीं हो। क्या बक रहा है तू, किसके रिश्ते की बात कर रहा है? तुम्हारे और किसके? बेगैरत बेनेक मरे तू। अब इस उम्र में मेरी शादी कराने चला है, मैं तो समझी शबाना के लिए कोई रिश्ता देख कर आया है। छक्का। छक्के पे छक्का। भाई फिरंगी मियां आप तो बहुत जीत रहे हैं। छक्का दिग्गी बेगम। अरे भाई बेगम कहां गई? तलाक लेकर चली गई। नाना जान से बेईमानी करते हैं आप? तो क्या हुआ टीचर, नाना जान हमसे बड़े भी तो हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप बेईमानी करेंगे? चलिए उठिए अपने कमरे में चलिए। टीचर आप चाय पे करा लें जब तक हमें एक जरूरी काम कर ली। ऐसा कौन सा जरूरी काम है? माऊ जान के साथ हमारा एक प्राइवेट काम है। बैठो बेटी अब चाय पी के ही जाना। लीजिए नवाब साहब। हरुमिया पहले शबाना को चाय दीजिए। नहीं नहीं आप पहले लीजिए। भाई इस लखनऊ के तकल्लुफ में चाय ठंडी हो जाएगी, और फिर बंबई का असूल है लेडीज फर्स्ट, इसलिए तुम चाय लो बेटी। मैंने ठीक कहा ना, तुम बंबई में ही पढ़ती थी? जी हाँ। बंबई में क्या कोई बिजनेस था तुम्हारे वालिद साहब का? जी नहीं। तो क्या करते थे, सर्विस? अब्बा जान उन्हें तो देखा नहीं मैंने, मेरे होश संभालने से पहले अम्मी ने ही किसी सूरत तालीम दिलाई। अम्मी ने बताया था कि अब्बा जान यहीं के रहने वाले थे। यहीं लखनऊ के? जी यहाँ के कोई बहुत बड़े नवाब थे। अच्छा क्या नाम था उनका? हेलो मैं सबका जाऊं। कौन? ओ वी आर मोहन जी। बहुत दिनों के बाद याद फरमाया आपने। सुना है आजकल बहुत बिजी हैं इलेक्शन में आप। अरे साहब जरूर जीतेंगे इंशाल्लाह। फिर कहीं सामने आ जाने का वादा कर लो, दिन ये कहता है मेरी तरह परेशान। अगर आप लिखे तो हम फौरन ले जाकर उन्हें दे देंगे। नहीं नहीं हमने कुछ नहीं लिखा, दे दो हमें कागज। नहीं आपने लिखा है, हम मामू जान को देंगे। मामू जान मामू जान। क्या हुआ फरंगी भैया? मामू जान मामू जान। मेरा लिखा हुआ मुझे वापस दीजिए। इस कदर पास हूँ आंखों के नजर आते नहीं। खालिद मियां चलिए किताबें निकाल। शेर तो सुन ले टीचर। सिर्फ महसूस ही करती हूँ कि ईमान हो तुम। वाह मुकर्रर फरमाए मामू जान। अर्ज है इस कदर पास हूँ आंखों के नजर आते नहीं, सिर्फ महसूस ही करता हूँ कि ईमान हो तुम। खालिद मियां चलिए लिल्ला अब जाइए ना, पढ़ाने दीजिए ना बच्चे को। खालिद मियां
शाम को गोमती पे घूमने चलेंगे। मैं नहीं जाऊंगी। आपसे नहीं, माऊ जान मुझसे कह रहे हैं टीचर। अल्लाह। आप मेरे साथ नहीं? अच्छा फिरंगी के साथ चले जाइएगा। जवानी की चमक कैसे आएगी? घिस भाई मगर आहिस्ता घिस। अजीम साहब क्या है? एक मौके में आई है, आपको याद फरमा रही है। अरे पूछो के बीमारी क्या है और गुलकंद से कह दो कि एक शीशी में थोड़ा सा ग्लूकोज और काली मिर्चें भिगो कर दे दे और मरीजा से कहना कि दिन में तीन बार चार चार घंटे के बाद लेती रहे, 2.5 रुपए ले लेना और कहना कि परसों सुबह फिर हाजिर हो जाए। लेकिन हुजूर मरीजा नहीं है, मुंह बोलोगे घर से आई है, कोई बेवा है। बेवा है? अरे फिर तो मेवा है। उनसे कहो बैठो मैं आता हूँ। पहलवान साहब आपका तेल हमारे संभालिए और यहाँ से प्रफुल्ल चक्कर हो जाइए। आप तशरीफ रखिए, हकीम साहब अभी हाजिर होते हैं। ए सुनो तो हमारी गुले गुलकंद कहाँ है? अभी भेजती हूँ। वो खुद ही आ गई। अरे हाय, खुदा बनाए रखे तुम्हारे शराब को। आओ बेटी गले से लग जाओ, जरा सीने में ठंडक पड़े और दिल को राहत मिले। हाय, जी चाहता है इसी तरह गले लगाए अपने घर ले जाओ। मैंने पहचाना नहीं आपको। जी बहुत अच्छा हुआ, पहचान जाती तो मुसीबत पड़ जाती। जी मतलब? मतलब ये है तुम्हारी सौतेली माँ जो बनने जा रही हूँ। तो क्या आप मुंह बोले की नानी है? जी हाँ, मेरा मुंह बोला तू पर जान देता है, जब भी बोलता है तुम्हारा ही नाम बोलता है, उसी के लिए तो अपनी ये जवानी गारत करनी पड़ रही है तुम्हारे अब्बा के पास। आज हमसे मुठभेड़ होगी बेवा बेगम। आए हाय, जरा जवान बेटी के सामने शर्म का पास रखिए। तुम यहाँ खड़ी क्या कर रही हो? जाओ तो जाओ। वैसे आप भी काफी जवान लगती है। हाँ, किस्मत में बेवा बनना लिखा था, वरना उम्र तुम्हारी बेटी से तो ज्यादा नहीं। ओहो कैसी बातें आप कर रही हैं? मेरी बेटी तो आपके मुंह बोले की उम्र की है। वैसे आपकी उम्र भी कुछ ज्यादा नहीं मालूम होती, मगर जरा ऊंच नीच ज्यादा है आपने। ऊंच नीच क्या मतलब? मतलब ये कहीं से आप बहुत फूली हुई हैं, कहीं से आप दुबली हैं और कहीं से खैर जाने दीजिए, अब इस उम्र में और मिल भी क्या सकता है। बेगम आपकी आवाज में मर्दाना बन ज्यादा है, कोई बात नहीं बस सेक्सी है। सच कहूँ मियाँ, यूं तो बहुत दुबली हूँ, सिर्फ गुलकंद के लिए हाथ पांव फूल गए हैं। अब जल्दी से उसे रुखसत करो इस घर से तो मैं आऊँ। आप आ जाए तो अपने हाथों से रुखसत करना अपनी बेटी को। ना मियाँ, ये खतरा मैं मोड़ नहीं लूंगी। पहले मुंह बोले की शादी गुलकंद से तो हो जाए, जिसके लिए अपनी कुर्बानी दे रही हूँ। मैं तो आई थी कि तुम मुझे अच्छी तरह देखभाल के अपनी तसल्ली कर लो। जी नजर की तसल्ली तो हो गई, अब इतनी दूर से दिल की तसल्ली कैसे हो सकती है? आप जरा मेरे पास तशरीफ रखिए तो मैं जरा आपकी तरह देखभाल लूं। नाना मियाँ, दूर की देखभाल ही अच्छी है, तुम तो ऐसे तलाशी लेने पे उतर आए मेरे हाथ पांव ढीले पड़ गए। अच्छा तो मैं चलूं? अजी जरा सुनो तो, फिर कब दीदार होंगे बेवा बेगम? अरे इस फिराक में और कितने दिन तड़पूंगा। हाय, दिल तो मेरा भी नहीं लगेगा, मगर क्या करूं तुम्हारी जवाब बेटी के होते, सारा ध्यान उसी पे लगा रहता है, देखती तुम्हें हूँ लेकिन चेहरा गुलकंद का ही रहता है। आप कुछ फिक्र मत कीजिए, मैं बहुत जल्दी उसके हाथ पीले कर दूंगा। अल्लाह तुम्हें नीला करे। नीला? अरे बेवा बेगम मैं तो लाल हो रहा हूँ, कब खिलाओगी बेवा?
जान निकालेंगे, जरा शादी होने दीजिए। क्या मतलब? मतलब जब भांडा फूटेगा, तुम समझते हो मैंने पहचाना नहीं क्या नानी का ढोंग बनाया है? निकाल। अरे अरे अरे, तेरे इश्क में क्या क्या ना बना, कभी मजनी कभी नानी कभी फकीर। हाय अल्लाह, फकीर बन के भी तुम ही आए थे? नहीं तो क्या आपके बाप आए थे? वाह वाह, अल्लाह तेरी शान, सौतेली माँ का ऐसा प्यार पहले कभी नहीं देखा। वाह, कैसे गुलाब जैसे गाढ़े मेरी गुलकंद के, जब गले से लगती है तो कलेजे में ठंडक पड़ जाती है। वाह वाह, आपने तो पहली ही नजर में गुलकंद का दिल जीत लिया। हाय सलामत मेरा शबाब रहे, गुलकंद तो क्या, गुलकंद का बाप भी मर मिटे शबाब पर। वाह, कोई पहुंचा हुआ फकीर था जो ये। शबाना जी, मैं तुमसे कुछ मदद चाहता हूँ। मैं क्या मदद कर सकती हूँ? बात बड़ी मामूली सी है, हमारे कॉलेज में एक मुशायरा हो रहा है, प्रेम मिश्रा बहुत मुश्किल है, आप तो शायरा है, कुछ मदद कीजिए ना। ये आपसे किसने कहा कि मैं शायरा हूँ? अजी वो तो हम खत का मजमून भाप लेते हैं लिफाफा देख कर। और जो लिफाफा भाप ले चिट्ठी रसा को देख कर। वाह मामू जान, चिट्ठी रसा क्या होता है? चिट्ठी रसा यानी कि पोस्टमैन, यानी कि आप पाजी कहीं के। आप अपना काम कीजिए, हमारी बातों में दखल मत दीजिए। सॉरी मामू जान। हाँ तो बताइए ना, आप मदद करेंगी? कोशिश करूंगी। तरह मिश्रा बताइए। आंखों से जो कहता है कोई होठों से कहते, क्यों चाहते हैं बात उतर जाए नजर से, आंखों से जो कहता है कोई होठों से कहते। सुभान अल्लाह, किस सफाई से मेरी बात का जवाब दिया जी। जवाब मतलब? मैंने तो अपनी बात कहने के लिए एक शेर कहा था, पास आए मेरे होठों की खामोशी भी ना टूटे, आंखों से जो कहता है कोई होठों से कहते। मामू जान, ये ऐसे नहीं फंसेगी। ये क्या बकवास कर रहे हो बदमाश कहीं के? देखिए ना, मछली आटा काफी भाग जाती है। अच्छा डबल आटा लगाओ। थैंक यू मामू जान। जीते रहो बरखुरदार। शबाना जी, मुझसे कुछ कहा? नहीं तो। मेरे दीवाने पन की भी दवा नहीं, मेरे दीवाने पन की भी दवा नहीं। मैंने जाने क्या सुन लिया, तूने तो कुछ कहा नहीं, मेरे दीवाने पन की भी दवा नहीं, मेरे दीवाने पन की भी दवा नहीं। कोई हसरत निकल गई, मैं ये समझा मेरे दिल की
कोई हसरत निकल गई, तूने देखा मुझे ऐसे कि तबीयत मचल गई, वरना तेरे सर की कसम आदमी मैं बुरा नहीं, मेरे दीवाने पन की भी दवा नहीं, मेरे दीवाने पन की है। अदब हूँ मैं दीवाना, किस कदर तू खफा हुई, बेअदब हूँ मैं दीवाना, किस कदर तू खफा हुई, छू लिया क्यों बदन तेरा, तौबा कैसी खता हुई, सारी दुनिया मेरे लायक सजा नहीं, मेरे दीवाने पन की भी दवा नहीं, मेरे दीवाने पन की भी दवा नहीं। चांदनी रात में जैसे रूखे गुल पे किरण पड़ी, चांदनी रात में जैसे रूखे गुल पे किरण पड़ी, बेसबब रूठ कर तेरे माथे पे यूं शिकन पड़ी, मेरे महबूब ये तेरी बेरुखी है अदा नहीं, मेरे दीवाने पन की भी दवा नहीं, मेरे दीवाने पन की भी दवा नहीं। मैं तुम्हें अपनी रफी के हयात बनाना चाहता हूँ। अल्लाह रफी के हयात क्या होता है? रफी के हयात आप बताइए ना टीचर। बताइए ना, बच्चा पूछ रहा है। फिरंगी मियाँ, रफी के हयात का मतलब होता है रफी के हयात। हम आपको अपनी रफी के हयात बनाना चाहते हैं। क्या बनाना चाहते हैं? रफी के हयात। रंगी मियाँ, ये कहाँ से सीख लिया आपने? माऊ जान ने हमारी टीचर से कहा था, हम आपको अपनी रफी के हयात बनाना चाहते हैं। ओ, फिर तुम्हारी टीचर ने क्या कहा? कहा कुछ नहीं, शर्मा के ऐसे कर लिया। रंगी मियाँ, रफी के हयात का मतलब मालूम? क्या मतलब नाना जान? इसका मतलब है कि यूसुफ मियाँ तुम्हारी टीचर को तुम्हारी मुमानी जान बनाना चाहते हैं। मुमानी जान? वो कैसे? शादी करके तुम्हारे मामू जान की बीवी तुम्हारी मुमानी जान लगी, समझे? अब समझा, अब एक खबर लेता हूँ अपनी यार की। समझ के आपकी बदमाशी। हमारी कौन सी बदमाशी समझ गया? आप हमारी टीचर को अपनी बीवी बनाना चाहते हैं? बड़े पाजी आप क्या कह रहे हैं? हमने नाना जान से रफी के हयात का मतलब पूछ लिया। क्या पूछा आपने? हमने नाना जान से पूछा, हमारे मामू जान हमारी टीचर को अपनी रफी के हयात बनाना चाहते हैं। तो क्या कहा अब्बा जान ने? नाना जान ने कहा
आप हमारी टीचर से शादी करके उन्हें बीवी बनाना चाहते हैं। बदमाश कहीं का, तुमने सब कुछ बतला दिया। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया बेटा, वरना तुम खुद तो कभी ना कह पाते। नहीं नहीं अबू जी, ये बहुत बदमाश है। बदमाश तो है, लेकिन क्या झूठ कहा है इसने? जी वो बोले ना हो जाए, अब क्यों बोलती बंद हो गई? मैं बताता हूँ नारायण और क्या क्या कह रहे थे। यूसुफ मियाँ, हम तुम्हारी पसंद की दाद देते हैं, लड़की हमें भी बहुत अच्छी लगती है। मुझे भी अच्छी लगती है ना। अच्छा, तो आपकी भी शादी करा देते हैं उनसे। मानी जान, क्या ये क्या बदतमीजी है? आज आप हमारी टीचर ने मानी जान है। अच्छा, ये कोई नई शरारत सिखाई है आपके मामू जान ने? मामू जान नहीं, नाना जान ने कहा है, वो आपकी शादी कर रहे हैं। क्या शादी किससे? हमसे नहीं टीचर, मामू जान से। ओ, आप बड़े प्यारे हैं फिरंगी मियां। मामू जान से कह देंगे, कह दीजिए अपने मामू जान से कि हम उनसे शादी नहीं करेंगे, हम तो आपसे शादी करेंगे। नहीं नहीं, हम बहुत छोटे हैं। जी नहीं, आप बहुत बड़े बदमाश हैं। हाँ, खैरू मियां तशरीफ लाए हैं। कहिए क्या खबर अपने हजरत फरहाद की? अरे नानी, आप क्यों उल्टा कफील हो गई? यह खत क्या है? वो मारा हजरत फरहाद ने। शबाना दशीरी विद लिटिल काली मेरी, फरहाद का पैगाम आया है शादी के लिए। मुबारक हो शबाना। कुर्बान जाओ अपनी बच्ची के। नेक अख्तर कहो मंजूर है, मंजूर है, मंजूर है। मुबारक। अल्लाह ताला तुम्हें सलामत रखे, यूसुफ मियां को लंबी उम्र दे। मतलब मौजन टीचर आपसे शादी नहीं करने चाहते। अच्छा क्यों? वो मुझसे शादी करने चाहते। ओह, आपसे किसने कहा? आपकी रफी की हयात ने, वो मुझे छोड़ती नहीं थी। यहाँ चुमा, यहाँ चुमा, यहाँ चुमा, यहाँ भी चुमा। वाह वाह, देखे तो जरा। वाह, यहाँ भी चुमा। अरे क्या बात है, वाह वाह, यहाँ भी। अरे वाह वाह, समझ गया मामू जान, समझ गया आपकी बदमाशी। अरे अच्छा, जरा देखे तो कहाँ चुमा था। अरे जरा देखे तो, देखे तो, देखे। शबाना, मम्मी मुबारक हो। भाई इमाम जमीन तो बन गया, लेकिन हाथों पे महबूब करन नहीं चढ़ा अभी तक। अरे लड़के वालों से मेहंदी आई रखी है, कहाँ है मेहंदी? ये लो महबूब की मेहंदी। महबूब की मेहंदी? हाँ, तुम्हारे महबूब की मेहंदी। सुना है महबूब की मेहंदी का रंग एक बार चढ़ जाए तो फिर नहीं उतरता। ला बनो हाथ दे, अल्लाह करे इन हाथों से महबूब की मेहंदी का रंग कभी न छूटे। Ha ha ha!
जवाना बेटी, क्या हुआ? तुमने कभी सोचा है नानी, कभी सोचा है जब उन्हें पता चलेगा मेरी माँ के बारे में तो क्या होगा नानी? बेटी, अल्लाह बड़ा कारसाज है, जिसने ये दिन दिखाया है वो आगे भी भला करेगा। जो हो रहा है होने दे बेटी। नहीं नानी नहीं, आज तो सही, कभी ना कभी तो पूछेंगे कि मेरे अम्मा कौन थे, मेरी अम्मा कौन थी, मेरा घर मेरा मैका कहाँ था। मुझसे भूल हो गई नानी, बहुत बड़ी भूल हो गई, मैं उसे कुछ नहीं छुपाऊंगी, कुछ नहीं छुपाऊंगी। शबाना भी घर पे हैं? तशरीफ रखिए, मैं उन्हें बुलाती हूँ। तस्लीम बाबा। जीती रहो बेटी। आपकी आवाज सुनकर मैं तो हैरान रह गई, अभी अभी आप ही को याद कर रही थी। मैं जानता था तुम मुझे याद कर रही हो, इसीलिए तो आ पहुंचा। देखा दिल से कैसी राह होती है दिल को। ये तो सच है बाबा, आपके साथ सच मुझे ही लगता है कि कोई रूहानी रिश्ता है मेरा। है ना, तभी तो अल्लाह मियां ने मुझे तुमसे मिलाया। तुम्हारी नेक सीरत से मेरी सीरत को भी नेकी बख्शी है अल्लाह मियां ने। तुम न मिलती तो मैं तुम्हारी पाक नेक मोहब्बत के लिए हमेशा दुआ करता रहूंगा बेटी। बेटी मैं जा रहा हूं, तुमसे इजाजत लेने आया हूं। मतलब? मैं लखनऊ छोड़कर जा रहा हूं। लखनऊ छोड़कर जा रहे हैं, वो क्यों बाबा? जिस इरादे से मैं यहां आया था वो पूरा नहीं कर सका, शायद खुदा की मर्जी नहीं थी उसमें, इसलिए वो ख्याल छोड़ दिया। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंसूर खुदा होता है। जाने से पहले तुम्हें सीने से लगाने को जी चाहता था बेटी। पैगाम है यूसुफ मियां के लिए? अगर आपको तकलीफ ना हो तो एक खत जरा उन तक पहुंचा दीजिए। जरूर। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हुजूर, क्या बात है मुनीम जी? तहखाना साफ करते हुए ये एक तस्वीर मिली है, अगर आपके बुजुर्गों में से किसी की हो तो नया फ्रेम और शीशा लगवा दूं। देखें। ये कंबख्त अभी तक पड़ा हुआ है इस घर में, अब तक तो इसकी कब्र का निशान भी मिट चुका होगा। फेंक दो इसे। दलील को क्यों सिजदा कर रहे हो फैरूमिया? ये हमारे बुजुर्गों में से नहीं। फैरूमिया, इस दलील नाले में कंबख्त की लाश नहीं मिली, वरना वो भी वहीं फेंकवा देता। अनवर कमाल जिंदा है, अनवर कमाल जिंदा है, सफदर जंग वो तुमसे बदला लेगा। अनवर कमाल जिंदा है।
कमाल जिंदा है, अनवर कमाल जिंदा है सफदर जंग, वो तुमसे बदला लेगा। अनवर कमाल जिंदा है। रहमान, ये पानी का ग्लास मुझे दे दो, मैं रख लेता हूं। आप हम सबको दे रहे हैं, उसका बोझ हम सब कैसे उतारेंगे? प्यार और मोहब्बत तो इस वक्त आपने मुझे दिया है, इतना प्यार कि मैं अपने आप को भूल गया था। कौन हूं, कहां से आया हूं, मुझे क्या करना है? लेकिन जब याद आ जाए तो अपना फर्ज अदा करना ही पड़ता है। हमारा भी तो कुछ फर्ज है। आप शबानू को बेटी की तरह मानते हैं, वो भी आपको बाबा कहती है। मैंने और अबू जी ने फैसला किया है, अब इस घर में आप हमारी तरह रहेंगे और आपको ये सब कुछ नहीं करना होगा। कल किसने देखा है यूसुफ भैया, जो दम गुजर जाए गनीमत है। शुक्रगुजार हूं कि आपने नाचिस को इस काबिल समझा। अल्लाह ताला आपको, आपकी दुआएं तो हमेशा मेरे साथ हैं, इसीलिए तो शबाना जैसी लड़की मेरी शरीक हयात बन रही है। मैं कितना खुशकिस्मत हूं। किस्मत का लिखा कौन डाल सकता है यूसुफ मियां। अच्छा अब मैं चलूं हुजूर। घर मियां, अगर आपको ज्यादा तकलीफ ना हो तो मुझे सुबह 6 बजे उठा दीजिए। कल सुबह? क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, सोच रहा था सुबह 6 बजे शायद मेरी आंख ना खुले। खैर कोई बात नहीं, मैं अलार्म लगा लूंगा। नवाब साहब, यूसुफ को जहर देकर मैंने आपसे अपना बदला ले लिया। मैं आपको उस मौत मारना चाहता था जिस मौत आपने मुझे मारा। आप भूल गए लेकिन मैं अपनी बर्बादी को आज तक नहीं भूला। आज मैं आपको याद दिलाता हूं कि मैं कौन हूं। फरमाइए, कौन साहब हैं आप और यूं बगैर आवाज़ के अंदर कैसे चले आए? लेकिन आप बोल, हमने रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन धक्का मार के अंदर चले आए। चुप रहो, ये सब क्या है? आप कौन है? वालिद साहब कहाँ है? कौन वालिद? तुम अनवर कमाल सज्जाद हुसैन के बेटे तो नहीं? जी हाँ, मैं नवाब सज्जाद हुसैन का लड़का हूं। ओ भाई, आओ बैठो, आओ बैठो। देखा तो कभी नहीं तुम्हें लेकिन नाम अक्सर सुना करते थे। मैं नवाब हैदरजंग का बेटा हूं, सफदरजंग। ओ, नाम से तो वाकिफ हूं, अफसोस कभी मुलाकात ना हो सकी। और जिन हालात में मुलाकात हुई उसका मुझे और भी ज्यादा अफसोस है। तुम आज घर आए हो और यकीनन अपना ही घर समझ के इस तरह अंदर चले आए, लेकिन तुम्हें यह मालूम करके अफसोस होगा
कि ये कोठी अब तुम्हारी नहीं है। तुम्हारे वालिद साहब का कर्ज चुकाने में ये कोठी नीलाम हो चुकी है। नीलाम हो चुकी है कर्ज चुकाने के लिए? किसका कर्ज? शायद तुम्हें मालूम होगा कि 7-8 साल पहले जब तुम्हारे वालिद साहब को एक ठेके में बहुत बड़ा नुकसान हुआ था, उस वक्त मेरे वालिद साहब ने काफी बड़ी रकम देकर उनकी मदद की थी। जी हाँ, मैं जानता हूँ। 10 लाख रुपए दिए थे आपके वालिद साहब ने। हाँ वही। मैं तो ज्यादातर ननिहाल में रहा, लेकिन जब वालिद साहब गुजर गए तो मुझे यहाँ आके कारोबार संभालना पड़ा और मैंने सज्जाद साहब से कर्ज का रुपया तलब किया। लेकिन वो रुपया तो अब्बा उसे लौट चुके थे। 20-20, 40-40 हजार रुपए तो मैंने खुद ले जाकर दिए हैं आपके वालिद साहब को। अनवर कमाल, ये कोई कंचे गोलियों का खेल नहीं है कि तुम कहोगे और हम मान जाएंगे। अगर रुपए लौटाए थे तो या तो वो हमारे बही खाते में जमा होने चाहिए या तुम लोगों के पास उसकी कोई रसीद होनी चाहिए। आप झूठ बोल रहे हैं। सप्तजंग ये सरासर बेईमानी। अनवर कमाल, इस वक्त तुम अपने घर पे नहीं, मेरे घर में। मैं चाहूं तो उठवा के बाहर फेंकवा सकता हूं तुम्हें, लेकिन लिहाज कर रहा हूं तुम्हारा। आप दगाबाज हैं, घटिया किस्म के जलील इंसान हैं, कमजोर हैं। अनवर, जबान संभाल के बात करो वरना खाल तक उधेड़ के नीलाम करवा दूंगा। तुम जानते नहीं हो मुझे। अब जान गया, बता दूंगा किससे पाला पड़ा है। जान निकल जाए यहां से। तुम्हारा बाप भी यही धमकियां देता हुआ गया था बदमाश। एक लफ्ज को उनकी शान में और निकाला तो जबान खींच लूंगा। क्या है? पता मेरे वालिद साहब कहां है? किसी गंदे नाले में पड़ा होगा, जाओ ढूंढ लो उसे। बदले और इंतकाम की हसरत लिए मेरे वालिद इस दुनिया से चले गए, लेकिन उनके आखिरी अल्फाज हमेशा मेरे कानों में गूंजते रहे। अनवर कमाल जिंदा है, अनवर कमाल तुमसे बदला लेगा। आज मैंने वो बदला ले लिया। जिस तरह मैं अपनी बर्बादी का गम लेकर आज तक मर रहा था, उसी तरह बाकी जिंदगी आप अपने बेटे के गम में तड़प तड़प कर मरेंगे। Thank you.
मेरी रहमत से कब किसे इनकार है, कब किसे इनकार है। छोटे नवाब ने मेरा खत पढ़ लिया। बेटी मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। मुझे माफ कर दो बेटी, मुझे माफ कर दो। क्या हुआ बाबा, आप इस तरह रो क्यों रहे? मुझे माफ कर दो बेटी, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारा खत पढ़ लिया, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। जब मैं तुम्हारी आप बीती पढ़ रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था वो मेरी ही आप बीती है, मेरी ही कहानी है, मेरी ही दास्तान है। जो कुछ भी तुम पर गुजरी मैं, इतने गम तुमने कैसे झेले, कैसे झेले बेटी, कैसे झेले। जो किस्मत में है वो तो सहना ही पड़ेगा बाबा, इसलिए तो मैंने खत भेजा था कि किस्मत का यह फैसला भी मालूम हो जाए। तुम मुझे बाबा की तरफ मानती हो ना, तो अपने बाबा की एक बात मानोगी? क्या बाबा? एक बड़े नेक इंसान से तुम्हारी शादी हो रही है बेटी, ये भी किस्मत का ही फैसला है। मुझसे वादा करो कि जानबूझकर तुम अपनी किस्मत को नहीं ठुकराओगी, अपनी जुबान से कभी कुछ नहीं बताओगी यूसुफ को। अगर कल उन्हें मालूम हो गया कि मेरी माँ कौन थी। यूसुफ तुमसे मोहब्बत करता है, इसलिए तुमसे शादी कर रहा है। उसे तुम्हारी माँ के हालात जानने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन एक तवायफ की बेटी को क्या हक है बाबा, किसी शरीफ खानदान पे ऐसा दाग लगा दे जिसे जमाना माफ न कर सके। तो जमाने को क्या हक था नजमा के चेहरे पर वो दाग लगा दे? क्यों उसे मजबूर किया इस जमाने ने कि वो शराफत की जिंदगी छोड़ दे? क्यों उसे कोठे पे ले जाके बिठा दी इस दुनिया ने? ये जमाना अंधा है, पहरा है बेटी, किसी के हालात नहीं देखता, किसी की फरियाद नहीं सुनता। जैसे तुम्हारी माँ की मजबूरी को कोई नहीं समझता था, तुम्हें भी कोई नहीं समझेगा। नेकी बदी का फैसला इंसान नहीं कर सकता बेटी, अच्छा बुरा सब परवरदिगार पर छोड़ दो। अच्छा हुआ बाबा जो आपने मेरा खत पढ़ लिया, मेरा गम बांट लिया आपने, मेरे सीने का बोझ हल्का हो गया। तो वादा करो बेटी तुम किसी से कुछ नहीं कहोगी? अब मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी बाबा, जिसे कहना चाहिए था उसने सब खुद ही समझ लिया। सलामत रहो बेटी, आबाद रहो। हुजूर, बड़े नवाब साहब ने आपको याद करना है। रहमान। हाँ हुजूर। कल रात खेरू मियां ने मेरे सराहने एक पानी का ग्लास रखा था, तुमने उठा? नहीं तो हुजूर। हथौड़ी मेरे सामने रखा था, करेंगे तो बुला। वो घर पे नहीं है सरकार, सुबह से कोठरी का दरवाजा बंद है। ठीक है। बताइए भाभी अब क्या ऑर्डर देना है इन्हें? भाई मैं क्या बताऊं सबका, आजकल के फैशन मुझे क्या मालूम। भाई हमारे जमाने में तो ये देखा जाता था कि सुवेवर मोटे हों और वजनी हों। भाभी आजकल ना वो फैशन रहा है ना कानून, अब तो गवर्नमेंट भी ज्यादा सोना नहीं रखने देती। तो मियां यूं करो शबाना को इनकी दुकान पर खरीदो, जो भी लेना है खुद ही पसंद कर लेंगी। तस्लीम मर्जा पुपी जान। जी करो बरकंदा। तस्लीम मर्जा खाला जान। जी करो बेटा। भाई यूसुफ मियां एक काम करो, तुम शबाना को लेकर परशुराम जी की दुकान पे चले जाओ ताकि वो अपने जेवर खुद ही पसंद करें। जी मैम। हाँ हाँ क्यों नहीं। जी मैं, लड़का तो शर्म से पिघला जा रहा है। अरे इतनी शर्म आ रही है तो मेरा बुरखा पहनकर चले जाओ शबाना के साथ। सुनो 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 यूसुफ मियां, भाई नए वक्त के साथ हमें भी नए अंदाज अपनाने पड़ रहे हैं। अब तुम बेगम अपनी पसंद से लाए हो तो बेगम की पसंद से जाके जेवर भी ले आओ। देखूंगा अबूजी मुझे कॉलेज से। देखो तुम्हारी बात मानी और नानी बनकर पहुंच गया उस हकीम के पास। ठीक है। और बुड्ढा गुलशन की शादी करने को भी तैयार हो गया। ठीक है। अब मुझे दो दो शादियां करनी पड़ेंगी, एक तो गुलशन से और एक बुड्ढे से। ठीक है। क्या ठीक है, यही तो ठीक नहीं। अब मैं किसके पास आऊंगा, बुड्ढे के पास या गुलशन के पास? बुड्ढे के पास। लो जरा बात सुनो इनकी, एक तो गले में फंदा डाला और ऊपर से खींच रही है, अरे कोई तरकीब बताए चक्कर से निकलने की।
तो यूं कीजिए भाईजान, 3 दिन गुलकंद के पास रहिए और 3 दिन बुड्ढे के पास। ओफो, तुम तो समझते ही नहीं, हकीम साहब के साथ 1 दिन भी रहना खतरे से खाली नहीं। पोल खुलते ही चोटी उनके हाथ होगी और मैं घर से बाहर। ठीक तो है, यही तो चाहिए। उसके बाद बेटी को थोड़े ही घर वापस ले जाएगा। ठीक तो है, कमाल है शबाना, खुदा की कसम तुम तो जीनियस हो। हेलो मिस्टर फरहान, तुम कब तशरीफ लाए? जाओ मियां, जाओ, तुम भी जाओ। इजाजत से? शौक से ढूंढ लो शर्माने वालों को। यूं भी कभी कभी तो नजारा करेंगे हम, चेहरे से आके पर्दा उतारा करेंगे हम। पर्दा उतर गया जो रुखे महताब से, उमड़ी हुई घटा को पुकारा करेंगे। ये जो चिलमन है दुश्मन है हमारी, ओ ये जो चिलमन है दुश्मन है हमारी, कितनी शर्मीली, ओ कितनी शर्मीली, दुल्हन है हमारी ये जो चिलमन है। जो आंचल है शिकवा है हमारा, क्यों छुपाता है चेहरा ये तुम्हारा, ये जो चिलमन है। जो गैसू है बादल है कसम से, कैसे बिखरे हैं गालों पे सनम के, ओ ये जो चिलमन है। जो सरकने लगा रुख से पर्दा जरा, जो सरकने लगा उफ ये कम वक्त
दिल क्यों धड़कने लगा, हाँ धड़कने लगा, हाँ भड़कने लगा, दम अटकने लगा। ये जो धड़कन है दुश्मन है हमारी, कैसे दिल संभले उलझन है हमारी। ओ ये जो चिलमन है दुश्मन है हमारी। कितनी शर्मीली ये दुल्हन है हमारी। अच्छा भाई है तुम्हारा, क्या काम कर सकता है? कुछ भी कर सकता है साहब, बड़ा बड़ा सर्टिफिकेट इसके पास, बड़े बड़े सेठ लोग का काम किया है। अच्छा अच्छा, इसे मुनीम जी के पास ले जाओ और कहो खैरों की जगह रखना। बहुत शुक्रिया साहब, बहुत शुक्रिया। मेहरबानी हो, बहुत बहुत शुक्रिया। फरमाइए किससे मिलना है आपको? मुंह बोले की नानी से, जो बेवा है मगर मेवा है। उनसे क्या काम है आपको? उनसे कह दो आश के बेहाल आए हैं, आज अपने ससुराल आए हैं, उनसे जरा मुलाकात हो जाए, बेगम से एक आध बात हो जाए, दिल को चैन आ जाए, वरना सांस फलक में अटके हैं और पांव कब्र में लटके हैं। मियां बड़े बेहया हैं आप, इश्क की लानत और ये बुढ़ापा। आप कौन है नानी की आपा? आपा नहीं, आपकी सास हूँ मैं। गुस्सा मत कीजिए, उदास हूँ मैं, आंसू गर आंखों से निकल आए और मूंछों तक फिसल आए। मेरा उजड़ा हुआ शबाब देखेंगी, मुंह पे बहता हुआ खिताब देखेंगी। आपसे इतराफे गुनाह करने आया हूँ, आज उनसे निकाह करने आया हूँ। अब्बा जान। हाँ बेटी, तुम्हारी अम्मी से मिलने चले आए। कौन? आप हमारी बेवा नानी से मिलने आए हैं? जी। ओ, वो तो आज ही कश्मीर है। हमारा लट्टू घुमाकर खुद घूमने चली गई, आने दो मुंह बोले के। बोलती ना बंद कर दी तो कहना, अब पहले नानी आएगी बाद में गुरकंद जाएगी। चल बेटी। हकीम साहब सब्र कीजिए। अजी बहुत सब्र कर चुके, हम यहाँ इंतजार में बैठे मूंगफली छील रहे हैं और वो कश्मीर सेब खाने चली गई। कोई बात नहीं, वो जल्दी लौट आएंगे। अजी जब वो आए तो उनसे कह दीजिए कि हकीम साहब अपना नुस्खा वापस ले गए। माफ कीजिए, अनावर में चल चल। अरे हाय हकीम साहब, ये क्या कयामत है, मैं तो इनसे बहाना करके आपके यहाँ रहने गई थी और वहाँ जाकर देखा तो घर पे ताले पड़े थे। अरे बेगम, यहाँ तो जान के लाले पड़े थे। जरा सब उसे काम लीजिए हकीम साहब। ये मुई कौन है? क्यों बाजी, कैसे लगे धूला मियाँ? हमारी जोड़ी अच्छी लगेगी ना? क्यों बेटी शबाना, कैसी हो? अरे हाँ, रास्ते में यूसुफ मियाँ मिले थे, तुम्हारे लिए पूछ रहे थे। हाय हाय हकीम साहब, सांस क्यों फूल रहा है? क्या बताऊं बेगम, फिराक में दम घुट रहा था, तुम्हारे ख्याल में सब लुट रहा था, खुद को मैं संभाल ना सका और ये कांटा निकाल ना सका, हिजर में कुछ इस कदर बलोड़ा कि मैं बेख्तियार दौड़ा। प्यास लग गई होगी। आय हाय बाजी, तुमने तो पानी भी ना पूछा होगा। क्या क्यों नहीं, अब तुझे भी पूछती हूँ मुर्दार, ये सब क्या है? पशम है नानी, एक साइड बिल्कुल उड़ा दो तुमने, लो मेरी अमानत। अभी देती हूँ, ये ले, तभी तो मैं मेरी रूह कहाँ चली जाती है? ये घर है तमाशा मचा रखा है। मक्कार धोखेबाज, अब देखता हूँ तो गुलकंद से कैसे शादी करता है। चल घर चल। अरे चल, अरे चंदा बच बच कह रहा हूँ चल। अरे आप तो अपनी बेटी को लेकर जा रहे हैं, अब मेरा क्या होगा? आपको क्या हुआ? इश्क हो गया है हमें आपसे हुजूर, जब से लगा है आपकी तिरछी नजर का तीर। नानी बच्चों, इश्क पर जोर नहीं है, ये वो आतिश गालिब के लगाए न लगे और बुझाए न बने। ठहरिए ठहरिए, सब्र कीजिए, मैं इस बार धोखा नहीं खाने वाला। मुंह बोले,
ये तो असली है ना, कहीं तुम्हारा बड़ा भाई तो नहीं? बिल्कुल असली है हकीम साहब, नब्ज देख लीजिए। हाय, नूरे जहां भी तुम हो, रोशन जहां भी तुम, अरे बेगम भी अपनी तुम हो, बेटी की माँ भी तुम। बेटी को तो लिए जा रहे हैं आप। अजी लाहौल वाला कुवत, मैं कौन होता हूँ बेटी को माँ से अलग करने वाला? अब गुलकंद यही रहेगी अपनी माँ के पास, और मैं चला आजा। मगर शर्त याद रहे, गुलकंद का निकाह होते ही अपनी बारी है। आधावर 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 आधावर। वाह नानी वाह, तुम तो बड़ी रंगीन मिजाज में। चलत परे, इस बार तो मैंने संभाल लिया, आगे तुम जानो। क्या ये सब जो तुमने किया वो एक्टिंग थी? जी हाँ, इस साल फिल्म फेयर का बेस्ट एक्टिंग का अवार्ड मुझे ही मिलेगा। बहुत अच्छे, हम सब झक मार रहे क्या? बोले मियां जी। हुजूर, एक आधा शेरी हो जाए? जी जरूर, क्यों नहीं जी। ये छुरी क्यों, फिर कोई चुपता हो शेरी याद आ गया जी? कुछ ऐसा ही खतरा था। चलना अपना दूल्हा देख ले। हाँ हाँ, जिसे देखा ही नहीं। देखा है भाई, खूब देखभाल के चुना है। शबाना, शुक्र है पहचान तो लिया, वरना इस माल और दौलत और शान शौकत के बाद कोई कहां अपने गरीब रिश्तेदारों को पहचानता। वो तो उस कमबख्त बुढ़िया ने पहचान दिया तुम्हें, लेकिन तुम ऐसी लड़की नहीं, मैं शुरू से जानता। वैसे वो बुढ़िया भी पहुंची हुई निकली, अच्छे नवाबजादे पे हाथ मारा, अपने बुढ़ापे का इंतजाम कर लिया उसने। वैसे नवाब को शक भी नहीं हुआ कि तुम कौन हो, कहां से आई हो। तुम यहां क्या लेने आए हो? तुम्हें लेने आया हूं मेरी जान, इससे अच्छा मौका और क्या होगा। ये हीरे जवाहरात जो पहन रखे हैं बस काफी है, ऊपर बुर्का पहनो और निकल चल मेरे साथ, बाकी जिंदगी बड़े आराम से कटेगी। मुझ पर रहम करो, खुदा के लिए रहम करो, तुम चले जाओ यहाँ से, तुम मुझे मत बर्बाद करो। तुमने हमेशा मुझे गलत समझा है शबाना, मैं तुम्हें बर्बाद नहीं, कोठे पर आबाद करना चाहता था, तुम नहीं मानी। अब तुम इस कोठी में आबाद होना चाहती हो, तुम्हारी खुशी, तुम्हारे आबाद होने में ही तो मेरा भला है, नहीं तो मेरे दिन कैसे कटेंगे। मतलब क्या मतलब है तुम्हारा, तुम कहना क्या चाहते हो? सिर्फ असल, जो तुम्हारी माँ की खिदमत और तुम्हें बड़ा करने में खर्च किया है, और सूद, सूद में कभी कभार हमारी आगोश कर्म का दिया करना। मैं तुमसे भीख मांगती हूँ निशा, मुझे बख्श दो, माफ कर दो, मैं तुमसे जीने की भीख मांगती हूँ। अपने सुहाग की भीख मांगती हूँ तुमसे, मुझे तबाह न करो। मैं कहाँ जबरदस्ती कर रहा हूँ, अगर तुम नहीं जाना चाहती तो मत जाओ। सिर्फ ये जेवरात मेरे हवाले कर दो और 1500 रुपया महीना देती रहना, पर अब तुम्हें अपनी माँ का कर्ज चुकाने में कोई तकलीफ नहीं होगी और ना ही मुझे वसूल करने में। जानती हो शबाना, मैं वहीं तुम्हारे ससुराल में नौकर हो गया और हमेशा तुम्हारे पास रहूंगा। तेरे रुखसारों पे ढलके हुए आंसू, तौबा, हमने शोलों पे मचलती हुई शबनम देखी। हाय हाय,
कसम खुदा की बड़ी खूबसूरत लग रही है। जी चाहता है ये आबे हयात भी नहीं। ओहो, तो अभी खम नहीं टूटे बिल्लों के। माँ पेशा कराती थी और बेटी फरिश्ता बनने चली है, तो लाओ आज ये गरूर भी तुम्हारा तोड़ दूं कि तुम पाक दामन हो। यूसुफ तक पहुंचने से पहले तुम्हारी जवानी का रस मैं ही चूस लूं। कोई प्यारी चीज नहीं मिली जान। एक दिन इसी तरह तुम्हारी मां ने भी अपने आप को मेरे हवाले कर दिया था। इन मेहंदी लगे हाथों से पिस्तौल नहीं चलते मेरी जान। निशा सच कहती हूँ, चले जाओ वरना गोली चला दूंगी। तो चला दो ना गोली। चला दी गोली? तूने सचमुच गोली चला दी? मरी हुई माँ की कसम है, मत बताना बेटी, मत बताना ये कौन था। तुम्हारी माँ से इसका क्या रिश्ता था? जीते जी बहुत जिल्लत उठाई नजमाने, मरने के बाद उसकी मिट्टी खराब मत करना बेटी, उसकी मिट्टी खराब मत करना। दुनिया वालों को ये पता न चले कि तुम्हारी माँ एक तबाही थी, नाचने वाली थी। में आप ये शबाना उस्मान ये? हाँ यूसुफ मियां, ये मेरा साथी था। सारे जेवरात अकेले ही हजम करना चाहता था, इसलिए मैंने मार डाला इसे। पापा, ये सच है, मैं पहले भी चोरी करते पकड़ा गया था, यूसुफ मियां जानते हैं। और फिर मैंने उस्मान को नौकरी के लिए भेजा था ताकि अच्छे नौकरी की ताक में रहे, लेकिन आज जब इतना मालदार मौका हाथ आया तो इसने मुझे खबर भी नहीं की, इसकी नीयत बदल गई। ये सारे जेवरात अकेले ही हजम करना चाहता था, मैंने इसे मार डाला। मोहतरमा, क्या आप बता सकती हैं कि गोली चलने से पहले खैरू और उस्मान में क्या बातचीत हुई और किस तरह झड़प हुई? उनके आपस में कोई झड़प नहीं हुई, क्योंकि खैरू मियां के आने से पहले ही गोली चल चुकी थी। मोहतरमा, आप कहना क्या चाहती हैं? आपका मतलब क्या है? मेरा मतलब है, उसको खैरू मियां ने नहीं, मैंने मारा। ये झूठ है, गलत है, ये लड़के गलत बोल रही है। मैंने उसका खून किया, मैंने उसका खून किया। नहीं नहीं दत्त साहब, ये खून खैरू मियां ने किया, शबाना ने नहीं। शबाना सिर्फ ये इल्जाम इसलिए अपने सर लेना चाहती है कि वह खैरू मियां ने उसकी इज्जत बचाई, और वो नहीं चाहती कि जिसने उस पर एहसान किया वो इस तरह फांसी के तख्ते पर चढ़ जाए और वो चुपचाप देखती रह जाए। शबाना की यह हरकत उसकी नेकी साबित करती है, उसे गुनाहगार नहीं बना। लेकिन शबाना का बयान उसे मुजरिम साबित करता है। तो क्या खैरू मियां का बयान उन्हें मुजरिम साबित नहीं करता? वो तो अपने जुर्म का इकबाल भी कर चुके हैं, और फिर सबने खैरू मियां को गोली चलाते हुए देखा है, शबाना को नहीं। खून खैरू मियां ने किया है, दो बार मेरी भी जान लेने की उन्होंने कोशिश की थी, लेकिन क्यों, किस लिए?
दत्त साहब, ये सच है। जब ये पहली बार उस घर में दाखिल हुआ तो रात के वक्त पाइप से चढ़कर और यूसुफ नवाब की खाबगाह में पकड़ा गया। इसके हाथ में तेज धार का चाकू था और इसने चोरी का बहाना किया। यूसुफ नवाब ने रहम खाकर इसे मुलाजिम रख लिया, लेकिन यूसुफ नवाब ने यह नहीं सोचा कि खाबगाह में इस चोरी की गरज से नहीं बल्कि कत्ल के इरादे से गया। क्या मुलजिम को इस वाकये से इनकार है? मैं इकबाल करता हूं। मुलाजमत के दौरान मुलजिम ने पूरे घर पर अपना सिक्का जमा लिया। इसने यूसुफ नवाब पर अपना इतवार पक्का कर लिया। ये उनकी आदत से अच्छी तरह से वाकिफ हो गया। इसे पता चला कि यूसुफ नवाब को रात में उठकर पानी पीने की आदत है। इस बात का जिक्र ये खुद यूसुफ नवाब से भी कर चुका है। अब फिर एक रात यूसुफ नवाब के सिरहाने पानी का गिलास रखते हुए इसने उसमें जहर डाल दिया। इसने एक बार फिर उनको मार डालने की कोशिश की। क्या मुलजिम को इस वाकये से इनकार है? जी नहीं, मैं इसका भी इकबाल करता हूं। क्या मैं पूछ सकता हूं, मुलजिम ने हर बार यूसुफ नवाब ही की जिंदगी पर क्यों हमला किया? वो कौन सी ऐसी दुश्मनी थी जिसका वो बदला लेने की कोशिश कर रहा था? यह मेरी निजी बात है, मैं अदालत को बताने से इनकार करता हूं। इसलिए जाहिर है कि वो अपनी पिछली गुनहगार जिंदगी पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहा है। लॉर्ड, अगर इजाजत हो तो मिस्टर यूसुफ इस केस के बारे में कुछ कहना चाहते हैं। परमिशन ग्रांटेड। योर ऑनर, इस कत्ल की वारदात में सिर्फ खैरू मियां और मोहतरमा शबाना ही नहीं, कुछ और मजीद लोग भी शामिल हैं, जिनमें सबसे अहम और खास नाम मेरे वालिद नवाब सफदरजंग का है। क्या? उस्मान का खून महज एक अकेला हादसा नहीं, उस हादसे के पीछे वाकयात की एक बड़ी लंबी जंजीर है, जिसका एक सिरा तो उस्मान की लाश से बंधा है और दूसरा जाकर नवाब सफदरजंग के घर से जुड़ता है, उनकी कोठी से, जहां उनसे पहले नवाब सज्जाद हुसैन साहब रहा करते थे। नवाब सज्जाद हुसैन मेरे वालिद के कर्जदार थे। जब वो कर्जा ना अदा कर सके, मेरे वालिद ने कानूनी कार्रवाई करके उन्हें कोठी से निकाल दिया, घर से बेघर कर दिया। 18 साल पहले के उस वाक्य में कौन सच्चा था कौन झूठा ये नहीं कहा जा सकता, मगर कानून का फैसला आज भी कागजात में मौजूद है। नवाब सज्जाद हुसैन को उस हादसे से बहुत बड़ा सदमा पहुंचा और उनकी दिमागी हालत बिगड़ गई। बदले और इंतकाम की हसरत लिए वो इंतकाल फरमा गए। उनके साहबजादे नवाब अनवर कमाल कई माह तक उनके साथ रहे और ऐसी हालत में वो अपने वालिद को यह भी ना बता सके कि दिल्ली में उन्होंने नजमा नाम की लड़की से चोरी छुपे शादी कर ली। वालिद के गुजर जाने के बाद जब अनवर कमाल दिल्ली अपनी बीवी के पास लौटे तो नजमा के सौतेले चचा उसे घर से निकाल चुके थे। उनके ख्याल में नजमा एक नाजायज बच्चे की मां होने वाली थी। अनवर कमाल के गम और गुस्से की हद न रही। उनके हाथों नजमा के चचा का खून हो गया और उन्हें उम्र कैद की सजा हो गई। नजमा बेघर बेमंजिल भटकती हुई एक बदकार और पाश आदमी के हाथ पड़ गई, जिसका नाम था निसार अहमद। निसार नजमा को हैदराबाद ले गया और उसे जबरदस्ती कोठे पे जा बिठा, उसे पेशा करने में मजबूर कर दिया। नजमा ने हालात को अपना लिया, लेकिन इस शर्त पे कि नवाब अनवर कमाल की वाहिद औलाद उसकी बेटी को निसार उस माहौल से दूर रहने देगा और उसे कभी खबर नहीं होने देगा कि उसकी मां एक तबाइफ है। नजमा ने खुद से दूर रखकर बेटी को पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, उसे अच्छी तालीम दी, लेकिन जवानी की रौनक जब नजमा के चेहरे से उतरने लगी तो निसार ने उसकी बेटी को उसी बाजार में लाने की कोशिश की। नजमा ने मारे शर्म के खुदकुशी कर ली। निसार ने समझा उसकी मुश्किल अपने आप हल होगी, लेकिन नजमा की बेटी अपनी बूढ़ी आय के साथ निसार के चुंगल से भाग निकली। कुछ ही अरसे बाद उसकी जिंदगी ने फिर एक करवट ली। साल भर में उसकी शादी एक अच्छे खानदान में तय हो गई।
उसने अपनी पुरानी जिंदगी पर पर्दा डाल दिया, उसका जिक्र तक नहीं किया। लेकिन शादी के ऐन मौके पर निसार वहां पहुंचा, उसने राज पास कर देने की धमकी दी, उसके जेवरात चोरी किए, उसकी इज्जत पर हमला किया, उसकी इज्जतदारी की कोशिश की। लड़की ने उसी की पिस्तौल से उसका खून कर दिया और वो लड़की है शबाना। बताइए अनवर कमाल कहाँ है? कहाँ है मेरे अब्बा? जब आप इतना कुछ जानते हैं तो आप जरूर जानते होंगे कि मेरे अब्बा कहाँ है मेरे अब्बा? नवाब अनवर कमाल वही हैं जिन्हें तुम बाबा कहती हो और हम सब खैरू मियां के नाम से बुलाते हैं। जज साहब, ये दो चिट्ठियां मुझे खैरू मियां की कोठरी से मिली। ये उस चिट्ठी के टुकड़े हैं जो शबाना ने मेरे नाम लिखी और दूसरी जो खैरू मियां ने मेरे वालिद साहब के नाम लिखी। मेरे बयान का यही सबूत। अरे दुल्हन मियां, इतना शर्माते क्यों हो? शर्माते कह रहे हैं कि आज उनकी छुट्टी हो रही है। वैसे भी कॉलेज में आजकल छुट्टियां, वो तो मैं सब जानता हूं। वल्ला क्या किस्मत है हमारी। हुजूर, हमसे इतनी घबराहट? आपका क्या भरोसा? ये जो चिलमन है दुश्मन है हमारी, ओ ये जो चिलमन है दुश्मन है हमारी। माउदन, माउदन चिलमन क्या होती है? चिलमन बाजी कहीं भी, आपसे मतलब, जाइए यहाँ से। नाना जान, चिलमन क्या होती है?